यहां सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाति नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहां है? This is what happened. वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत ना जुटा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। लोग चले जाएं, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। सोल्जर में मीठी बातें बोलने वाली कौन होंगी इस बार? क्या नया केस सॉल्व करते नजर आने वाले हैं सोल्जर 2 के एक्ट्रेस? कैसे नए स्टंट सीन्स होंगे इस एक्शन मूवी के सीक्वल में? हम इंडियंस दो चीजों के लिए कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं। कौन सी? अरे दिमाग दौड़ाइए और बताइए क्या हो सकती है वो दो चीजें। चलिए अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही आपको बताती हूँ। पहले तो हो गया हम सबके दिल में बसने वाला क्रिकेट, और दूसरा जब भी किसी घर का बेटा बनता है सोल्जर। और इसी फीलिंग को हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी मूवी के थ्रू शो किया गया है। और ऐसे ही एक मूवी आई थी 1998 में जिसका नाम था सोल्जर। सोल्जर को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने, और हमें एक बहुत ही शानदार थ्रिलर फिल्म में देखने को मिला था। और वहीं अगर हम कास्ट और क्रू की बात की जाए तो इसमें मेन लीड में थे बॉबी देओल और प्रीति जिंटा। और सबसे एक्साइटिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये मूवी प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी, लेकिन उन्होंने हमें अपनी पहली ही मूवी में इम्प्रेस कर दिया था। और उनकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने, आज भी गालों के डिंपल सबको बेहद क्यूट लगते हैं उनके। और मूवी में हमें उनकी एक बहुत ही प्यारी सी एक लव स्टोरी भी देखने को मिली थी। और कहानी की प्लॉट की बात की जाए तो पता चला है कि फिल्म राइटर श्याम गोयल ने ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर लिखी थी। और वो किस्सा कुछ ऐसा था कि पंजाब की एक महिला के माथे पर उसके हस्बैंड ट्रेटर हैं, ऐसा लिखा गया था और उसे पूरे गांव में घुमाया गया था। और ऐसे ही पूरी मूवी ट्रेटर और पुलिस के बीच में ही घूमती रहती दिखाई दे रही है। और हमें इस मूवी में भी बॉबी के बेहद खतरनाक स्टंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली उनका बंदूक के साथ वो अंदाज। वो एक्टर कम और सोल्जर ज्यादा लगते हैं, शायद हर अच्छे एक्टर की यही पहचान होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी रिविजिट आखिर कराया क्यों मैंने आप सबको, तो मैं आपके साथ एक दिल की बेहद ही खुश करने वाली खबर शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि सोल्जर के सीक्वल बनने की बात हो रही है। वैसे तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फैंस को फिर से इंतजार है उन्हें एक बढ़िया स्टंट्स और एक्शन से भरी फुल एंटरटेन करने वाली मूवी फिर से देखने को मिलने वाली है। और अगर इस बार भी डायरेक्शन हुआ अब्बास मस्तान के हाथ में तो हमें लगता है कि ऐसे डांस मूवी बनकर ही रहेगी। उम्मीद है हमारी तरह आपको भी ऐसे पिक्चर्स के इंतजार होंगे। और हमारे इस वीडियो से हमने आपकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल अप कितना कर दिया है ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीक्रैट स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें। कैसे पकड़ पाएगा सोल्जर स्मगलर्स को? क्या हो पाएगा नया चेंज कहानी में? क्या बेटा सॉल्व कर पाएगा अपने बाप के बागी होने का केस? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी।
तो आज मैं आपको एक ऐसे देशभक्ति से भरे हुए ही ऑनेस्ट मेजर की कहानी सुनाऊंगी जो एक्चुअली रियल बेस्ड इंसिडेंट पर आधारित थी। जी हाँ, 1998 में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम था सोल्जर में दिखाया गया है कि एक बेहद ऑनेस्ट मेजर रहते हैं जो कि एक स्मगलिंग रैकेट पकड़वा देते हैं और ये स्मगलिंग मूवी के विलन्स के थ्रू करवाई जाती है। तो जब स्मगलर्स को इतना बड़ा नुकसान होता है तो वो मेजर को जान से मार देने की प्लॉटिंग करते हैं और एक इनोसेंट व्यक्ति की हत्या कर उसे ही सारे स्मगलिंग के केस में फंसा कर वापस भेज देते हैं। जी हाँ, जब उसका पार्थिव शरीर गांव वापस लाया जाता है तब पूरे गांव वाले उसे बागी कह देते हैं, वो करार दे देते हैं और उसके शरीर को खुले रेत में मैदान के ऊपर ही चील कौओं को खाने के लिए छोड़ देते हैं और ये सब उनके नन्हे बेटे की आंखों के सामने होता है और वो छोटा नादान बच्चा उसी समय अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेता है और अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही वो लग जाता है अपने काम पे। वो बेटा 20 साल तक अपने अंदर इस आग को जलाए रखता है कि उसे कुछ ऐसा करना है कि उसका परिवार, उसके माता पिता पर लगा ये लांछन मिट जाए और इसके लिए वो बेटा बहुत मेहनत भी करता है और ये मेहनत रंग भी लाती है 20 साल बाद जब वो छोटा बच्चा बड़ा होकर सोल्जर बनता है। जी हाँ, और उस सोल्जर को पहला ही केस सॉल्व करने के लिए जो मिलता है वो यही मिलता है कि उसे विदेश यानी ऑस्ट्रेलिया जाकर एक स्मगलिंग का रैकेट पकड़वाना है जिसे वो सोल्जर बखूबी सॉल्व करता है। मूवी में एक टर्निंग पॉइंट यहीं से आता है कि जब वो सोल्जर बने हुए बॉबी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होते हैं तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि असलियत में मेन विलन की बेटी निकलती है और वहीं से हमारा लॉयल सोल्जर धर्म संकट में पड़ जाता है। अब क्या करें, कैसे और किसको चुने, लेकिन एंड में वो अपने पिता का बदला पूरा करते हुए सही गुनहगारों को जेल तक पहुंचा के मानता है। जी हाँ, क्योंकि पहले पिक्चर की इतनी धांसू स्टोरी होने के बाद अब फैंस को दूसरी पिक्चर यानी सोल्जर के सीक्वल सोल्जर 2 से भी खासा उम्मीदें बनी हुई हैं और वो सब एक बेहद ही इंटेंस स्टोरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। वहीं अगर मैं बताऊं कि सोल्जर में प्रीति जिंटा ने फीमेल लीड प्ले किया था और फिर तो बॉबी और प्रीति जिंटा की जोड़ी उस समय बड़े पर्दे पर एक सुपर डुपर हिट जोड़ी के रूप में स्थापित हो गई थी। तो सोल्जर 2 से भी हम सबको यही उम्मीदें हैं कि एक बार फिर हम सबको एक धांसू जोड़ी वाली मूवी देखने को मिलेगी। हो सकता है ये बॉबी और प्रीति ही हो जिसमें बेहद शानदार थ्रिल होने के साथ साथ एडवेंचर की भी कोई कमी नहीं होगी। उम्मीद है तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिनटिन रहते हैं बॉबी देओल, कौन ले सकता है बॉबी का रोल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म सोल्जर 2 के बारे में और उसमें दिखने वाले लीड एक्टर यानी कि बॉबी देओल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक नहीं मिली है और टिप्स कंपनी के मालिक कुमार दौरानी पूरी लगन के साथ फिल्म के लिए स्क्रिप्ट खोज रहे हैं और अभी तक उन्होंने फिल्म के कास्ट के बारे में डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इसका फैसला वे स्क्रिप्ट के पूरा होने के बाद ही लेंगे, जिसमें उन्होंने बॉबी के भी फिल्म में शामिल रहने के बारे में श्योरिटी नहीं दी है। अब आगे क्या होगा ये तो स्क्रिप्ट के मिलने पर ही समझेगा और चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम आपको बॉलीवुड की नई चटपटी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। क्या आपको पता है फिल्म सोल्जर फेमस होने के पीछे बॉबी के फिट और अग्रेसिव लुक का भी हाथ है। बॉबी को हाफ शर्ट में देख उनके मस्कुलर बॉडी को देख कर ऑडियंस काफी एक्साइटेड हुई है और उन्होंने पसंद भी किया है इनको। स्पेशली लड़कियां उनके अपीयरेंस को देखकर ज्यादा ही मदहोश हो गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉबी को अपना बॉडी फिट रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी और बॉबी का मानना है कि अगर उन्होंने अपनी 20s में अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दिया रहता तो शायद बॉलीवुड में सबसे अच्छी फिजिक उनकी ही होती। लेकिन बस वो फिल्मों के स्पेसिफिक रोल के लिए ही ज्यादातर वर्कआउट करते हैं और लास्ट उन्होंने अपने फिल्म रेस 3 और वेब सीरीज आश्रम के लिए अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अब अगर बॉबी फिल्म में दिखे तो शायद उन्हें हम फिर से फिट एंड प्रोफेशनल बॉडी शेप में ही देखेंगे। सोल्जर में तो हमें बॉबी ही दिखे थे, लेकिन क्या होता अगर बॉबी की जगह कोई और एक्टर होता तो कैसा होता उनका रोल। दूसरे एक्टर से हमारा मतलब है उस समय के एक्टर्स जैसे कि अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सलमान खान, शाहरुख खान,
वैसे शाहरुख खान और अनिल कपूर तो उस वक्त ज्यादातर रोमांटिक और इमोशनल फिल्में करा करते थे और सलमान खान फैमिली ड्रामा फिल्म, तो शायद अक्षय या सुनील को ये रोल मिल सकता था। साथ ही आजकल अक्षय की डिमांड बॉबी से कई ज्यादा है, तो हो सकता है कि फिल्म सोल्जर का सीक्वल जल्द ही बन जाए। जैसे अक्षय को हॉलीडे में सोल्जर के रूप में देखकर लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्षय सोल्जर 2 में बॉबी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। क्या बॉबी ने दोहराया सोल्जर का किरदार? क्या उन्हें मूवी में लेना होगा सही? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोल्जर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। इन दिनों धर्मेंद्र अपनी तबीयत की वजह से, तो सनी देओल मूवी गदर की वजह से सुर्खियों में है, तो बॉबी देओल पीछे कैसे रह सकते हैं? और आप जानना चाहेंगे उनका इन दिनों चर्चा में बने रहने का कारण, उनकी आने वाली मूवी सोल्जर 2। ये काफी खुशी की बात है बॉबी और उनके चाहने वालों के लिए, पर जब भी बॉबी को देखते हैं बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे सवाल लंबी लाइनें लगाते हैं। पहला सवाल आता है कि क्या बॉबी इस मूवी के लिए सूटेबल है, और दूसरा कि क्या वो एक प्रॉमिसिंग एक्टर है? हाँ क्यों नहीं, बॉबी आज के खिलाड़ी नहीं है, अब उनकी इस कल्ट मूवी का सीक्वल बनने वाला है। मतलब जरूर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो ऑडियंस अभी तक भूल नहीं पाई है। सोल्जर 2 एक एडवेंचर ड्रामा मूवी होने वाली है। ऐसी फिल्मों के लिए एक एक्टर की पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर को लेकर एटीट्यूड और सेंस काफी मायने रखता है, क्योंकि एक्शन रोमांटिक फिल्म में करना आसान है पर सोल्जर बनना काफी मुश्किल है, रील और रियल लाइफ दोनों में भी। पर बॉबी ने इसके पहले ये करके दिखाया है। सिर्फ सोल्जर ही नहीं, उन्होंने अपनी दूसरी मूवी में भी इंडियन आर्मी सोल्जर की जिंदगी को दोहराया है। जानना चाहेंगे कौन सी? 2005 में आई टैंगो चाली में बॉबी तरुण चौहान नाम के सोल्जर बने थे। इस मूवी में वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ दो बड़े सुपरस्टार्स यानी संजय दत्त और सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। पर इसके अलावा बॉबी लीड रोल की कुर्सी हासिल करके मूवी में छा गए। मूवी में उन्हें एक स्पेशल मिशन पर भेजा जाता है। उस वक्त बॉबी के चेहरे पर जो पेनफुल एक्सप्रेशंस था, वॉरियर की तरह लड़ने का एटीट्यूड था, उनकी क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी काफी तारीफ की। भले ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना कर पाई, पर वो बॉबी को कोई अच्छा एक्सपीरियंस दे गई, इसलिए उन्हें मूवी में लेना बिल्कुल सही होगा। मतलब उन्हें एडवेंचर फिल्मों में काम करने का आइडिया आ चुका है, अब बस उन्हें डायरेक्टर अब्बास मस्तान के ढांचे में खुद को एडजस्ट करना है, क्योंकि अब्बास मस्तान का काम लार्जर देन लाइफ कहलाया जाता है। देखते हैं ये एक्टर डायरेक्टर डुओ मिलकर कैसी मूवी बनाते हैं, जिसे देखकर हर एक ऑडियंस को लगे कि मुझे भी सोल्जर बनना है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। कौन सी है बॉलीवुड में फिल्में जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है? क्या अब्बास मस्तान सोचेंगे कुछ यूनिक? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोल्जर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। सोल्जर, ये शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या शब्द आते हैं? वॉरियर, देश की शान, देशभक्ति, तिरंगा और ना जाने कितनी चीजें। सोल्जर्स तो शानदार होते हैं और उन पर बनाई जाने वाली फिल्में भी। फिल्मों से याद आया, अगर बॉलीवुड में किसी को सोल्जर पुकारा जाए तो पहला रिस्पॉन्स बॉबी देओल का होगा। हाँ, उनकी मूवी सोल्जर में वो मेजर बने थे ना। अभी सोल्जर ने तो अपना काम कर दिया, पर अब इसके सीक्वल की बारी है। मतलब अब ऑडियंस सीक्वल में कुछ नया एक्सपेक्ट करेंगी जो बॉबी को करके दिखाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कितनी देशभक्ति और वॉरियर फिल्में बनाई गई हैं? उसमें से ज्यादातर रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी। क्या कहा आप, कुछ कुछ फिल्में नहीं जानते? कोई नहीं, चलिए मैं आपको सब बताती हूँ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हजारों लोगों को कैदी बनाया गया था, इसलिए मूवी का नाम भी 1971 रखा गया, ताकि ये साल कोई भी ना भूले। मूवी उन्हीं कैदियों की जिंदगी पर बेस्ड थी। 1997 की मूवी बॉर्डर में बॉबी के बड़े भाई सनी देओल ने अपने दमदार आवाज और सोल्जर का यूनिफॉर्म पहनकर दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए थे।
लोंगेवाला चेक पोस्ट पर हुए भारत पाकिस्तान का घमासान वॉर दिखाया गया। उसके बाद 1999 में हुए भारत पाकिस्तान कारगिल वॉर जो पर्दे पर दिखाना बहुत ही मुश्किल था वो देखने को मिला मूवी LOC कागल में। इसमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा करते करते कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2019 में रिलीज हुई मूवी उरी भी रियल इंसिडेंट को दर्शाती है। मेजर विहान सिंह शेरगिल 2016 में कश्मीर के उरी में एक सैन्य टुकड़ी पर हमला कर कई जवानों की जान लेने वाले हिंसावादियों के एक समूह के खिलाफ एक स्पेशल मिशन को हैंडल करते हैं। यही तो था उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद 2021 में भी हमें बायोपिक देखने को मिली जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल वॉर में देश के लिए कुर्बानी दे दी और उनकी कुर्बानी को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका कारगिल वॉर उनका स्ट्रगल और जर्नी दिखाई गई। ये जितनी भी रियल स्टोरीज है वो सारी की सारी सुपरहिट रह चुकी है। ऐसी कहानियां फिल्मों के जरिए बताई जा सकती हैं, तो और फिल्में बनानी चाहिए। तो फिर सोल्जर 2 में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद करना गलत नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टर अब्बास मस्तान भी जानते हैं कि ऐसी कहानियां सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को पूरे एंटरटेनमेंट देने के लिए जरूरी है। इसलिए वो किसी ऐसी कहानी पर रिसर्च करेंगे जिनके बारे में ऑडियंस ना जानती हो और जानना काफी जरूरी हो। उनकी डायरेक्शन को देकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो किसी को कॉपी करेंगे। उनके आइडियाज यूनिक होंगे, पर हाँ कोई ऐसा ही रियल इंसिडेंट चुरा कर तो नहीं पर मूवी का सब्जेक्ट बनाकर उस पर इन डिटेल काम किया जा सकता है क्योंकि रियल स्टोरी से रियलिटी बता सकते हैं। तो देखते हैं कि आखिर हमें कौन सी ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जिसे पूरी दुनिया अनजान है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सीक्रेट मिशन पर जाएंगे बॉबी, क्या सीक्वल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होगा रिसर्च? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल को चुरा ले गया। जी हाँ, ये सोल्जर फिल्म का गाना है। वैसे तो ये फिल्म का रोमांटिक गाना है जिसे बॉबी और प्रीति पर शूट किया गया था, पर हाँ गाना गाने के लिए पीछे हमारा कुछ और ही मतलब है। अगर आप इस लाइन पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तो वो सोल्जर हैं और सोल्जर सीक्रेट होते हैं, अपने काम को लेकर डिसिप्लिन्ड होते हैं और दुश्मनों के साथ तो वो मीठी बातें कर ही नहीं सकते। इसकी बजाय उल्टा वो दुश्मनों को करारा जवाब देकर उनका जीना हराम कर देता है। यही सारी चीजें हमें फिल्मों में देखने को मिली हैं और बॉबी ने भी तो वही किया। मेजर विक्रम बनकर अपने मिशन तक पहुंचने के लिए प्यार का नाटक भी किया, अलग अलग ट्रिक्स भी आजमाई, पर अब बारी है उनकी इसी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल की। अब जैसे ही हम सीक्वल शब्द सुनते हैं हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, हम ये सोचेंगे कि दूसरे पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, बॉबी किस अंदाज में नजर आएंगे, वो क्या करेंगे, ये सब कुछ। अब सोल्जर या आर्मी ऑफिसर पर बनाई गई फिल्मों में कौन सी चीजें दिखाई जा सकती हैं इसका थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, पर अगर आपने इस टॉपिक की किसी फिल्म को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि सोल्जर की भी एक अलग भाषा होती है। जी हाँ, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह होती है ना, वैसे ही। तो चलिए एक नज़र हम मिलिट्री लैंग्वेज पर भी डालते हैं। देखिए, किसी भी सोल्जर या आर्मी ऑफिसर को हमेशा ही दुश्मनों के आसपास रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी और एक साथ हजारों मिशन के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस में उनके ऑपरेशंस मिशंस के लिए उनके सिग्नल्स कोड और उनकी लैंग्वेज काम आती है। सोल्जर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए चार्ली टैंगो इंडिया पापा जूलियट ब्रावो ऑस्कर माइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। यही तो मकसद है ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का, ताकि उनके दुश्मन को उनकी बात पता ही ना चले। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए कि टैंगो मतलब थैंक यू, ब्रावो मतलब वेल डन, ऑस्कर माइक ऑन द मूव। इसमें आपने चार्ली और टैंगो ये दो शब्द गौर किए होंगे। दरअसल बॉबी ने 2005 में चार्ली टैंगो नाम की एक फिल्म की थी जिसमें चार्ली टैंगो एक टेलीग्राफी कोड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। 2003 की LOC कारगिल फिल्म कारगिल वॉर पर बनाई गई थी। उसमें एक सीन है
जिसमें कैप्टन बने संजय दत्त हर एक टीम मेंबर को उनके कोड नेम देते हैं। उस फिल्म के लीड थे अमिताभ बच्चन, जिनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा, और उनका कोड था शेरशाह, मतलब असली पहचान छिपाकर दुश्मनों को गुमराह करने के लिए ये कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ हाँ, सही पहचाना आपने, शेरशाह फिल्म में भी यही सीन दोहराया गया था। वैसे शेरशाह से याद आया कैप्टन विक्रम बत्रा, जो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर थे। उन्होंने कारगिल वॉर में दिल मांगे मोर नाम का स्लोगन इस्तेमाल किया था। बाकियों के लिए ये तो स्लोगन होगा, पर ये उनका सक्सेस सिग्नल था। इसका मतलब था कि हमारा मिशन पूरा हुआ। तो सोल्जर 2 में भी बॉबी की मुलाकात ऐसे किसी कोड लैंग्वेज और कोड नेम से हो सकती है। और आजकल तो ये कोड और सिग्नल्स फिल्म की प्लॉट लाइन को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि शेरशाह फिल्म के टाइटल से ज्यादा दिल मांगे मोर फेमस हुआ था। इस लाइन की चारों तरफ चर्चा हो रही थी। डायरेक्टर अब्बास मस्तान भी ऐसी ही सीक्रेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कहानी में रंग भर सकते हैं। अब ये तो हम श्योरली कह सकते हैं कि ये एक सोल्जर की कहानी है, और सोल्जर के पास हजारों मिशन होते हैं, तो बॉबी भी किसी मिशन का हिस्सा बनकर उसे पूरा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सोल्जर फिल्म में भी वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए विदेश तक चले गए थे। अब वो मिशन क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फिल्म की कहानी क्या होगी, वो कौन सा रियल इंसिडेंट होगा, ये अभी रिवील होना बाकी है। पर डायरेक्टर अब्बास मस्तान की डायरेक्शन को देखकर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि डिटेल्ड स्टडी किया जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाई जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। उस दौर को ये सिचुएशन और ड्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मिलिट्री साइंस की हेल्प ले सकते हैं, कैरेक्टर स्टेप अप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि रियल हीरो को तो हमने देखा नहीं, तो वो पर्दे पर कैसा दिखाया जाएगा इस पर भी फिल्म की सक्सेस डिपेंड करती है। आजकल तो डायरेक्टर्स टू स्टोरी में भी खुद की चार बातें मिलाते हैं। संजय लीला बंसाली हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं वैसे, पर वॉरियर बेस्ड फिल्मों में इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो रियल है उसे रियल ही रहना चाहिए। कोई भंसाली साहब को भी ये समझाए और उसमें मिलावट करके डायरेक्टर्स के लिए ही मुश्किलें बढ़ जाती है। चलिए ये तो तय है कि बॉबी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बकायदा कोड लैंग्वेज सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उन्हें सिर्फ कैरेक्टर प्ले नहीं करना, बल्कि रियल सोल्जर का रिप्रेजेंटेटिव बनना है। जादू चलाएंगे बॉबी, क्यों है ऑडियंस को सोल्जर का इंतजार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। वैसे सोल्जर देश की शान होते हैं, सबका अभिमान होते हैं, पर हम जिस सोल्जर की बात कर रहे हैं उनका नाम है बॉबी देओल, जो उनकी फिल्म में सोल्जर बने थे। और अब ये कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि उनकी इस सुपरहिट फिल्म का दूसरा पार्ट बनने का फैसला किया जा रहा है। वैसे जितना आप खुश हो रहे हैं उससे ज्यादा खुशी हो रही है बॉबी को, क्योंकि बॉबी देओल एक सीजन की तरह है। एक साल में उनके दो या तीन प्रोजेक्ट्स आते हैं, कभी कुछ धमाका होता है तो कभी नहीं, इसलिए वो उनकी सुपरहिट फिल्म में अब फिर से एक बार सोल्जर बनना चाहते हैं, जिससे वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। पर अब ऑडियंस को नया सोल्जर चाहिए क्या, ये सुनकर तो बॉबी के होश उड़ गए। नहीं, पर हम किसी और की नहीं बल्कि बॉबी की ही बात कर रहे हैं। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका सोल्जर एक कड़क पर्सनैलिटी हो और हटके अंदाज में नजर आए, सब कुछ नया हो। वैसे बॉबी पहले कमाल कर चुके हैं, पर इस बार उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलीवुड का भविष्य तो डूबती नैया जैसा है, जहां पर फिल्मों को लेकर कुछ खास चर्चाएं नहीं हो रही है। और जब ऐसी सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल बनाए जाते हैं, तब रिपीटेशंस की वजह से सब कुछ खराब ना हो, यही चाहती है हमारी ऑडियंस। ऑडियंस को चिंता है बॉबी की, बॉबी के मामले में ऐसा ना हो यही चाहते हैं उनके फैंस, क्योंकि वो एक अच्छे पर्सन परफॉर्मर हैं, पर उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो उनमें कुछ यूनिक करना चाहिए, क्योंकि सोल्जर 90s की रिकॉर्ड ब्रेक फिल्म है, और ऐसी फिल्मों के सीक्वल में भी उसी क्वालिटी की उम्मीद होती है। वैसे इस बात से बॉबी भी एग्री करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ऑडियंस की नजरों में छाने के लिए।
वैसे उनकी आश्रम वेब सीरीज की वजह से उन्होंने सबके होश उड़ा दिए हैं और इसलिए कहीं ना कहीं ऑडियंस उन पर गौर कर रही है, जो कि उनके लिए फायदेमंद है। इसलिए वो भी फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान के साथ मिलकर कंटेंट क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। साथ में वो अपनी फिजिक पर भी काफी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फैंस के दिलों की धड़कन बने। बस हम तो यही कहेंगे कि बॉबी का ये हार्ड वर्क काम आए और एक अच्छी फिल्म देखने को मिले। आपको भी यही लगता है ना? बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कौन सी प्रियोटिक फिल्म हुई सुपरहिट? क्या डायरेक्टर करेंगे कॉपी पेस्ट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीक्रैट स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अगर बॉलीवुड फिल्मों को ऑब्जर्व करें तो रीमेक्स सीक्वल तो बनाए जा रहे हैं, पर पैट्रियोटिक फिल्म्स का भी दौर शुरू हो गया है और कई ऐसी कहानियां पेश की गई हैं जिसने ऑडियंस को जेन्युइन एंटरटेनमेंट दिया है। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब इसमें एक नया नाम शामिल होने वाला है, बॉबी देओल की आने वाली फिल्म और उनके ही सुपरहिट फिल्म का सीक्वल सोल्जर 2। इस फिल्म में बॉबी एक मेजर के किरदार में नजर आए थे, जिसने सही में मिस्ट्रियस माहौल क्रिएट किया था, पर अब बारी है इसके भी कुछ बढ़िया करने की, क्योंकि प्रियोटिक फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन तो करती है पर उसमें बल्कि एक्स फैक्टर भी होना काफी जरूरी है। अब अगर बॉलीवुड की पैट्रियोटिक फिल्में और कंटेंट की बात करें तो काफी धमाकेदार फिल्में बनाई गई हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उन सब पर। पहली फिल्म अक्षय कुमार की हॉलीडे, जो 2014 में रिलीज हुई। ये एक इंडियन आर्मी सोल्जर की कहानी है, जिसने हमें दिखाया कि एक सोल्जर हॉलीडे पर होने के बावजूद भी टेररिस्ट से अपने देश की रक्षा करता है। उसके बाद 2019 में ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी ने सबके होश उड़ा दिए और विक्की कौशल की परफॉर्मेंस ने सबके छक्के छुड़ा दिए। ये कहानी है एक रियल लाइफ सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड थी। उसी साल सूरज पंचोली की फिल्म सैटेलाइट शंकर में भी कई लो फॉल्स नजर आए, जिसने ऑडियंस को आखिर तक एक्साइटेड रखा। इस फिल्म में वो हजारों लोगों की मदद करते हुए एक सोल्जर का रूप दिखाते हुए नजर आए। और अब आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को ऊंचाई पर ले जाने वाली फिल्म शेरशाह के पास। 2021 में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा के सेक्रीफाइस और डिवोशन पर ये फिल्म बनाई गई थी। ये सारी फिल्में काफी अच्छे कलेक्शन कर चुकी है, पर अब इससे भी बढ़िया ऐसा क्या यूनिक देखने को मिलेगा सोल्जर 2 में? क्या डायरेक्टर अब्बास मस्तान ऐसी फिल्म को कॉपी पेस्ट करेंगे? उनके डायरेक्शन की जर्नी देखते हुए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉबी का अंदाज सबसे अलग है और देखा जाए तो इन सब में वो सीनियर भी है। अभी फिल्म के आइडिया पर काम चल रहा है तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉबी को पता है कि उनके पास एक अच्छा टॉपिक है और वो किसी दूसरे के सीक्वल में काम नहीं कर रहे हैं। तो बस इंतजार करिए फिल्म का और हमारी अगली वीडियो का। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कौन होने वाला है सोल्जर दूसरा निर्देशक? बॉबी देओल की बॉलीवुड की फिल्म से क्या कनेक्शन है? किसे कहा गया था गद्दार? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता रोहरा, बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल वीडियो में एक स्पेशल कहानी की, जो कि 23 साल पहले बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर की, जिसमें हमें दिखाई पड़े थे बॉबी देओल और साथ ही साथ प्रीति जिंटा। ये 23 साल पहले रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म थी जिसको अब्बास मस्तान के पावरफुल डुओ ने डायरेक्ट किया था, जो उस टाइम की एक बहुत बड़ी हिट मानी गई थी। लेकिन अब जब सोल्जर 2 बनने वाली है तो उसमें कौन डायरेक्ट करने वाला है? लेकिन ये तो रही बात की बात, पहले हम आपको एक सोल्जर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने चाह रहे हैं, तो उसे जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो आपको बता दें कि सोल्जर की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। पंजाब में एक औरत के सर में सच में लिख दिया गया था कि मेरा पति गद्दार है। उसका पति एक सोल्जर था जिसको गद्दार घोषित कर दिया गया था। हालांकि उस टाइम पे कोई भी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित नहीं बनाई जाती थी। कुछ इसी बात को लेकर अब्बास और मस्तान ने डिसाइड किया कि एक असली घटना पर आधारित फिल्म बनाई जाए। इस कहानी को लेकर आगे पीछे की स्क्रिप्ट लिखकर इसको स्क्रीनिंग दी गई थी। वैसे आपको बता दें, ये बहुत बड़ी हिट मानी गई थी उस टाइम पर, और साथ ही साथ ये एक पहली फिल्म थी उस टाइम की जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। अब बात अगर सोल्जर 2 की करें तो क्या आपको लगता है कि ये फिल्म आगे बढ़ाई जाने वाली है उसी कहानी को लेकर?
तो आपको बता दे जी नहीं, सोल्जर की होने वाली है एक अलग ही कहानी, लेकिन ये जरूर होने वाला है कि सोल्जर 2 में भी एक सच्ची घटना पर आधारित ही कहानी ली जाने वाली है। उससे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सोल्जर उस टाइम की एक ऐसी फिल्म थी जो कि ऑस्ट्रेलिया पर शूट की गई थी। उस टाइम पर बहुत ही कम ऐसी फिल्में होती थी जो ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी फॉरेन जगहों पर शूट की जाती थी। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कई जगह उस फिल्म के बाद ही प्रमोशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि कुछ लोकेशंस ऐसे थे जो कि बहुत नए निकले थे फिल्म के दौरान। क्या उन लोकेशंस को अब भी यूज किया जाएगा, ये देखना बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। वैसे एक बात और आपको बता दें जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो या हम कहेंगे फनी किस्सा था, 1994 में हॉलीवुड में सोल्जर नाम की ही एक और फिल्म बन रही थी, और आपको बता दें वो फिल्म ठीक इस फिल्म के 2 हफ्ते बाद रिलीज भी की गई थी। तो हम मेकर्स को ये जरूर एडवाइस करेंगे कि इस बार अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही फिल्म के नाम और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट तय करिएगा। लेकिन अगर आपके मन में ये आ रहा है कि इस बार इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करने वाला है, तो आपको बता दें इस बार भी अब्बास मस्तान का पावरफुल डुओ ने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ले ली है, यानी चिंता की कोई बात नहीं है, फिल्म हमेशा की तरह एक बहुत ही हिट रहने वाली है। वैसे आपको बता दें कि उनका मन इस बार काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या होंगे वो एक्सपेरिमेंट, क्या वो होने वाले हैं किसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूं इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूं क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या बनने जा रही है सोल्जर 2? क्या है फरीदा और कुलभूषण का स्कैंडल पॉइंट, किसे मिला इंडस्ट्री में? बहुत सारी वाहवाही कुलभूषण और फरीदा के बीच चल रहा है फिर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जियार। दोस्तों, सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस को हमेशा से बॉलीवुड ने सराहा है। हमेशा से ही बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जहां आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें फिल्म में ही सही लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला है। उन्हीं में से एक फिल्म है बॉबी देओल की सोल्जर। साल 1998 में आई अब्बास मस्तान की फिल्म सोल्जर बॉलीवुड की वन ऑफ द इंस्टेंट हिट में से एक मानी जाती है। फिल्म सोल्जर में दिखे थे हिंदी सिनेमा के एक्टर कुलभूषण खरबंदा और फरीदा जलाल। बॉलीवुड के सीनियर कलाकारों में से एक कुलभूषण खरबंदा ने ज्यादातर फिल्मों में सह कलाकार की भूमिका अदा की है, जिसको दर्शकों द्वारा हमेशा पसंद किया गया। अपने पूरे करियर में इन्होंने बॉलीवुड के कई शानदार कलाकारों के साथ काम किया और नाम भी कमाया। इन दोनों की कामों की तुलना किसी से नहीं की जाती, हमेशा इन्हें सराहा जाता है क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ये माने जाते हैं। फिल्म में भले ही इनका रोल छोटा रखा गया था, मगर इनकी जो भूमिकाएं थी वो एकदम परफेक्ट थी। कुछ समय पहले अभिनेत्री फरीदा जलाल और अभिनेता कुलभूषण खरबंदा के बीच अफेयर जैसी खबरें भी काफी उड़ी। वैसे ये बात तो गले से नहीं उतरेगी, लेकिन आप सोचेंगे बुढ़ापे में ये कैसा इश्क है। वैसे तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि फरीदा और कुलभूषण असल जिंदगी में एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े हैं, बल्कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसका वो हिस्सा है। ये शॉर्ट फिल्म है स्कैंडल पॉइंट, जिसमें दोनों रोमांस करते दिखाई देंगे। खास बात यह है कि फरीदा और कुलभूषण हम उम्र है। फिल्म में कमबैक को लेकर फरीदा जलाल का कहना है कि वो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में है और हर तरह के किरदार निभा चुकी है। टीवी एड्स, फीचर फिल्म, इन सब पर तो वो पहले काम कर चुकी है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब उन्होंने कोई शॉर्ट फिल्म की है जो कि नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। यंग लोगों के साथ इन फन फिल्म में काम करना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा और उनके लिए ये जो मौका था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। दोस्तों, वैसे आजकल फिल्मों में साइड रोल्स के एक्टर्स को काफी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, चाहे वो पिता का रोल हो, भाई बहन का हो या करीबी दोस्त का हो। ये किसी भी जान डालने का काम करते हैं किसी भी मूवी में, और इनकी काफी इम्पोर्टेंस भी रहती है किसी भी फिल्म के अंदर। वैसे ही आने वाली सीक्वल में
अगर हम पुरानी फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाते दिखेंगे तो हमें पिता के रोल के लिए और फिर एक दमदार विलन के लिए मेकर्स को एक सुपर फाइन सीनियर एक्टर की जरूरत होगी, जिसके लिए हमारे ये सीनियर एक्टर्स मास्क का काम करेंगे। परफेक्ट चॉइस होगी, और क्योंकि कुलभूषण इन दोनों ही फील्ड में अपना लोहा मनवा चुके हैं और कालीन भैया के पिताजी को कौन बिग स्क्रीन पर नहीं देखना चाहेगा। वैसे किसी भी इंडियन आर्मी बेस्ड मूवी में एक इमोशनल टच होना चाहिए, और किसी भी फिल्म में एक रियल इमोशनल एंड मदरली टच देने के लिए DDLJ की लज्जो से बेहतर और कौन हो सकता है। जहां फरीदा कई सालों से इंडस्ट्री से दूर रही, वहीं कुलभूषण ने मिर्जापुर जैसी सुपरहिट सीरीज से अपने करियर को दोबारा प्लेटफॉर्म पे उतारा। हो सकता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूँ, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। चले जाए वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा।23 साल पहले रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म थी जिसको अब्बास मस्तान के एक पावरफुल डुओ ने डायरेक्ट किया था, जो उस टाइम की एक बहुत बड़ी हिट मानी गई थी। लेकिन अब जब सोल्जर 2 बनने वाली है तो उसमें कौन डायरेक्ट करने वाला है, लेकिन ये तो रही बात की बात। पहले हम आपको एक सोल्जर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने चाह रहे हैं, तो उसे जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो आपको बता दें कि सोल्जर की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। पंजाब में एक औरत के सर में सच में लिख दिया गया था कि मेरा पति गद्दार है। उसका पति एक सोल्जर था जिसको गद्दार घोषित कर दिया गया था। हालांकि उस टाइम पे कोई भी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित नहीं बनाई जाती थी। कुछ इसी बात को लेकर अब्बास और मस्तान ने डिसाइड किया कि एक असली घटना पर आधारित फिल्म बनाई जाए। इस कहानी को लेकर आगे पीछे की स्क्रिप्ट लिखकर इसको स्क्रीनिंग दी गई थी। वैसे आपको बता दें ये बहुत बड़ी हिट मानी गई थी उस टाइम पर, और साथ ही साथ ये एक पहली फिल्म थी उस टाइम की जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। अब बात अगर सोल्जर 2 की करें तो क्या आपको लगता है कि ये फिल्म आगे बढ़ाई जाने वाली है उसी कहानी को लेकर? तो आपको बता दें जी नहीं, सोल्जर की होने वाली है एक अलग ही कहानी। लेकिन ये जरूर होने वाला है कि सोल्जर 2 में भी एक सच्ची घटना पर आधारित ही कहानी ली जाने वाली है। उससे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सोल्जर उस टाइम की एक ऐसी फिल्म थी जो कि ऑस्ट्रेलिया पर शूट की गई थी। उस टाइम पर बहुत ही कम ऐसी फिल्में होती थी जो ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी फॉरेन जगहों पर शूट की जाती थी। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कई जगह उस फिल्म के बाद ही प्रमोशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि कुछ लोकेशंस ऐसे थे जो कि बहुत नए निकले थे फिल्म के दौरान। क्या उन लोकेशंस को अब भी यूज किया जाएगा, ये देखना बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। वैसे एक बात और आपको बता दें जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो या हम कहेंगे फनी किस्सा था, 1994 में हॉलीवुड में सोल्जर नाम की ही एक और फिल्म बन रही थी, और आपको बता दें वो फिल्म ठीक इस फिल्म के 2 हफ्ते बाद रिलीज भी की गई थी। तो हम मेकर्स को ये जरूर एडवाइस करेंगे कि इस बार अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही फिल्म के नाम और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट तय करिएगा। लेकिन अगर आपके मन में ये आ रहा है कि इस बार इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करने वाला है, तो आपको बता दें इस बार भी अब्बास मस्तान का पावरफुल डुओ ने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ले ली है। यानी चिंता की कोई बात नहीं है, फिल्म हमेशा की तरह एक बहुत ही हिट रहने वाली है। वैसे आपको बता दें कि उनका मन इस बार काफी एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या होंगे वो एक्सपेरिमेंट? क्या वो होने वाले हैं किसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट, या वो होने वाली है अब तो मैं खुद इस तरह से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज।
ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या बनने जा रही है सोल्जर 2? क्या है फरीदा और कुलभूषण का स्कैंडल पॉइंट? किसे मिला इंडस्ट्री में? बहुत सारी वाहवाही कुलभूषण और फरीदा के बीच चल रहा है फिर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जियार। दोस्तों, सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस को हमेशा से बॉलीवुड ने सराहा है। हमेशा से ही बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जहां आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें फिल्में ही सही लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला है। उन्हीं में से एक फिल्म है बॉबी देओल की सोल्जर। साल 1998 में आई अब्बास मस्तान की फिल्म सोल्जर बॉलीवुड की वन ऑफ द इंस्टेंट हिट में से एक मानी जाती है। फिल्म सोल्जर में दिखे थे हिंदी सिनेमा के एक्टर कुलभूषण खरबंदा और फरीदा जलाल। बॉलीवुड के सीनियर कलाकारों में से एक कुलभूषण खरबंदा ने ज्यादातर फिल्मों में सह कलाकार की भूमिका अदा की है, जिसको दर्शकों द्वारा हमेशा पसंद किया गया। अपने पूरे करियर में इन्होंने बॉलीवुड के कई शानदार कलाकारों के साथ काम किया और नाम भी कमाया। इन दोनों की कामों की तुलना किसी से नहीं की जाती, हमेशा इन्हें सराहा जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ये माने जाते हैं। फिल्म में भले ही इनका रोल छोटा रखा गया था मगर इनकी जो भूमिकाएं थी वो एकदम परफेक्ट थी। कुछ समय पहले अभिनेत्री फरीदा जलाल और अभिनेता कुलभूषण खरबंदा के बीच अफेयर जैसी खबरें भी काफी उड़ी। वैसे ये बात तो गले से नहीं उतरेगी लेकिन आप सोचेंगे बुढ़ापे में ये कैसा इश्क है। वैसे तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती लेकिन ये भी सच है कि फरीदा और कुलभूषण असल जिंदगी में एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े हैं बल्कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसका वो हिस्सा है। ये शॉर्ट फिल्म है स्कैंडल पॉइंट, जिसमें दोनों रोमांस करते दिखाई देंगे। खास बात यह है कि फरीदा और कुलभूषण हम उम्र है। फिल्म में कमबैक को लेकर फरीदा जलाल का कहना है कि वो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में है और हर तरह के किरदार निभा चुकी है। टीवी एड्स, फीचर फिल्म, इन सब पर तो वो पहले ही काम कर चुकी है लेकिन ये पहला मौका होगा जब उन्होंने कोई शॉर्ट फिल्म की है जो कि नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। यंग लोगों के साथ इन फन फिल्म में काम करना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा और उनके लिए ये जो मौका था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। दोस्तों, वैसे आजकल फिल्मों में साइड रोल्स के एक्टर्स को काफी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, चाहे वो पिता का रोल हो, भाई बहन का हो या करीबी दोस्त का हो। ये किसी भी जान डालने का काम करते हैं किसी भी मूवी में और इनकी काफी इम्पोर्टेंस भी रहती है किसी भी फिल्म के अंदर। वैसे ही आने वाली सीक्वल में अगर हम पुरानी फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाते दिखेंगे तो हमें पिता के रोल के लिए और फिर एक दमदार विलन के लिए मेकर्स को एक सुपर फाइन सीनियर एक्टर की जरूरत होगी, जिसके लिए हमारे ये सीनियर एक्टर्स मास्क का काम करेंगे। परफेक्ट चॉइस होगी और क्योंकि कुलभूषण इन दोनों ही फील्ड में अपना लोहा मनवा चुके हैं और कालीन भैया के पिताजी को कौन बिग स्क्रीन पर नहीं देखना चाहेगा। वैसे किसी भी इंडियन आर्मी बेस्ड मूवी में एक इमोशनल टच होना चाहिए और किसी भी फिल्म में एक रियल इमोशनल एंड मदरली टच देने के लिए DDLJ की लज्जो से बेहतर और कौन हो सकता है। जहां फरीदा कई सालों से इंडस्ट्री से दूर रही, वहीं कुलभूषण ने मिर्जापुर जैसी सुपरहिट सीरीज से अपने करियर को दोबारा प्लेटफॉर्म पे उतारा। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हम सोल्जर का क्या सचमुच बन सकता है ब्लॉकबस्टर फिल्म सोल्जर का रीमेक? पहली फिल्म होने के बावजूद भी सोल्जर क्यों नहीं बन पाई प्रीटी जिंटा की डेब्यू फिल्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म सोल्जर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सोल्जर के सीक्वल के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या सच में सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारने वाली है सोल्जर 2।
बता दें कि फिल्म सोल्जर एक थ्रिलर फिल्म थी जिसके मेन लीड्स में बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी गुलजार थे। इसे डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने और ये दौर था अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी थ्रिलर फिल्मों का। दोनों ने मिलकर 90s के बॉलीवुड में काफी सारी एंटरटेनिंग फिल्में दी। इतना ही नहीं, सोल्जर के बाद भी इस इंसिडेंट पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में फिल्में बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्म एक सीक्वल डिजर्व करती है, इसलिए अब आपको बताते हैं सोल्जर के सीक्वल पर डायरेक्टर अब्बास मस्तान की अपडेट। काफी हाइप के बाद ये तो साफ हो गया कि सोल्जर 2 के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने की फिलहाल कोई चांस नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉबी और मस्तान ऑलरेडी अपनी अपकमिंग फिल्म पेंटहाउस पर काम कर रहे हैं, जो थिएटर में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके साथ ही बॉबी की 3 और फिल्में लव हॉस्टल, अपने 2 और एनिमल लाइन में लगी हुई है, जिनकी शूटिंग वो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए ऐसे में सोल्जर 2 का पॉसिबल हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब आपको बताते हैं फिल्म सोल्जर से जुड़ी एक और बेहद इंटरेस्टिंग बात। दरअसल इंडस्ट्री की डिंपल क्वीन कही जाने वाली प्रीति का बॉलीवुड का सफर फिल्म सोल्जर के जरिए हुआ था, लेकिन फिर भी प्रीति की डेब्यू फिल्म दिल से है। ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन है सोल्जर का डिले हो जाना। जी हाँ, सोल्जर की शूटिंग खत्म होते ही प्रीति शाहरुख खान की फिल्म दिल से के लिए सिलेक्ट हो गई थी। दोनों ने मिलकर 90s में बॉलीवुड को काफी सारी एंटरटेनिंग थ्रिलर फिल्म दी, जिनमें शाहरुख खान की बाजीगर भी शामिल थी। मजे की बात तो ये है कि फिल्म सोल्जर अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी वो पहली फिल्म थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं थी। और काफी कम लोग ये जानते हैं कि फिल्म सोल्जर पंजाब के एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जहां एक शादीशुदा औरत के सर पर एक देशद्रोही सोल्जर की बीवी होने का टैग हमेशा के लिए लगा दिया गया और उसे अपने गांव से धक्के मार कर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, सोल्जर के बाद भी इस इंसिडेंट पर मल्टीपल लैंग्वेज में फिल्म बनी थी और प्लान ये था कि प्रीति पहले सोल्जर के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी और उसके बाद दिल से में दिखेंगी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से सोल्जर काफी डिले हो गई और दिल से को मजबूरन सोल्जर से पहले रिलीज करना पड़ा, जो बन गई प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म। तो क्या आपको भी इंतजार है सोल्जर के सीक्वल का? तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूं इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूं क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर कौन है जो प्रीतम सिंह कहकर पुकारता है, क्या सोल्जर 2 में होगी प्रीति? आज की हमारी इस स्पेशल वीडियो में हम बात करें इस साल पहले रिलीज हुई बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की मूवी सोल्जर की। डायरेक्टर की मशहूर जोड़ी अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित इस मूवी को रमेश ने अपने बैनर टिप्स म्यूजिक फिल्म्स के अंदर प्रोड्यूस किया था। उस समय ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट साबित तो हुई थी, साथ ही साथ उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी। आजकल मूवी एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि मेकर इसका रीमेक ही कर जो आ रही है। रीमेक के बारे में कई बातें हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। आइए उससे पहले जान लेते हैं ओरिजिनल मूवी के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, शुरुआत म्यूजिकल नोट पर करते हैं। उस साल एक तरफ जहाँ कुछ कुछ होता है और दिल जैसी फिल्मों का म्यूजिक तो हिट हुआ ही, उसके अलावा सोल्जर का म्यूजिक एल्बम उस समय तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। खास बात यह है कि दिल से में भी प्रीति जिंटा थी। यूं तो दिल से सोल्जर से पहले रिलीज हुई थी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि सोल्जर ही वो पहली मूवी थी जिसे प्रीति ने साइन किया था। यही उनकी डेब्यू मूवी होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे कामों की वजह से ऐसा हो नहीं सका और दिल से पहले रिलीज हो गई। खैर, बात सोल्जर की करते हैं और ये एक बहुत खास बात है कि मूवी में प्रीति का नाम प्रीति ही होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर बिना किसी मूवी बैकग्राउंड से आने वाली प्रीति को यह मूवी कैसे मिली, तो बता दें कि उन्होंने मूवी में लेने
का आइडिया रमेश का ही था। दरअसल उस समय उनको न्यू लिटिल एड गर्ल के नाम से जाना जाता था और मेकर्स मूवी के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे जो मासूम लगे और एक्टिंग के जरिए नयापन ला सके। रमेश को प्रीति काफी खुश मिजाज, मासूम और टॉकेटिव लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसा कि उन्हें इस किरदार के लिए चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि मूवी के नेम लीड बॉबी देओल उन्हें प्रीतम सिंह कहकर पुकारते हैं, यहाँ तक कि आज भी वे उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। इस मूवी में अपने काम के लिए उन्हें मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला था। मूवी से जुड़ी और भी कई सारी बातें हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं आने वाले रीमेक के बारे में। दोस्तों, रीमेक में पुरानी कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी जिसमें टाइम और टेक्नोलॉजी को देखते हुए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। मूवी को एक बार फिर रमेश प्रोड्यूस करने वाले हैं, जबकि डायरेक्टर के तौर पर फिर एक बार अब्बास मस्तान की जोड़ी ही नजर आएगी। हालांकि ये सुनकर आपको थोड़ा दुख हो सकता है कि प्रीति जिंदा इस बार मेन कास्ट का हिस्सा नहीं होंगी। जी हाँ, मेकर्स प्रीति की जगह किसी और एक्ट्रेस को लेना चाहते हैं। हालांकि प्रीति किसी और रोल या कैमियो रोल में होंगी या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और हमारी आने वाली वीडियोस को देखना होगा। अब तो मैं खुद इस तरह से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर कैसे फिल्म की बॉलीवुड में शुरुआत। कौन है जो प्रीतम सिंह कहकर पुकारता है, क्या सोचे तुम्हें होगी प्रीति। आज की हमारी इस स्पेशल वीडियो में हम बात करें एक साल पहले रिलीज हुई बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की मूवी सोल्जर की। डायरेक्टर की मशहूर जोड़ी अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित इस मूवी को रमेश ने अपने बैनर टिप्स म्यूजिक फिल्म्स के अंदर प्रोड्यूस किया था। उस समय ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट साबित तो हुई थी, साथ ही साथ उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी। आजकल मूवी एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि मेकर इसका रीमेक लेकर जो आ रही है। रीमेक के बारे में कई बातें हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। आइए उससे पहले जान लेते हैं ओरिजिनल मूवी के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, शुरुआत म्यूजिकल नोट पर करते हैं। उस साल एक तरफ जहाँ कुछ कुछ होता है और दिल जैसी फिल्मों का म्यूजिक तो हिट हुआ ही, उसके अलावा सोल्जर का म्यूजिक एल्बम उस समय तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। खास बात यह है कि दिल से में भी प्रीति जिंटा थी। यूं तो दिल से सोल्जर से पहले रिलीज हुई थी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि सोल्जर ही वो पहली मूवी थी जिसे प्रीति ने साइन किया था। यही उनकी डेब्यू मूवी होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे कामों की वजह से ऐसा हो नहीं सका और दिल से पहले रिलीज हो गई। खैर, बात सोल्जर की करते हैं और ये एक बहुत खास बात है कि मूवी में प्रीति का नाम प्रीति ही होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर बिना किसी मूवी बैकग्राउंड से आने वाली प्रीति को ये मूवी कैसे मिली, तो बता दें कि उन्होंने मूवी में लेने का आइडिया रमेश का ही था। दरअसल उस समय उनको न्यू लिटिल एड गर्ल के नाम से जाना जाता था और मेकर्स मूवी के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे जो मासूम लगे और एक्टिंग के जरिए नयापन ला सके। रमेश को प्रीति काफी खुश मिजाज, मासूम और टॉकेटिव लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसा कि उन्हें इस किरदार के लिए चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि मूवी के नेम लीड बॉबी देओल उन्हें प्रीतम सिंह कहकर पुकारते हैं, यहाँ तक कि आज भी वे उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। इस मूवी में अपने काम के लिए उन्हें मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला था। मूवी से जुड़ी और भी कई सारी बातें हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं आने वाले रीमेक के बारे में। दोस्तों, रीमेक में पुरानी कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी जिसमें टाइम और टेक्नोलॉजी को देखते हुए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। मूवी को एक बार फिर रमेश प्रोड्यूस करने वाले हैं, जबकि डायरेक्टर के तौर पर फिर एक बार अब्बास मस्तान की जोड़ी ही नजर आएगी। हालांकि ये सुनकर आपको थोड़ा दुख हो सकता है कि प्रीति जिंटा इस बार मेन कास्ट का हिस्सा नहीं होंगी। जी हाँ, मेकर्स प्रीति की जगह किसी और एक्ट्रेस को लेना चाहते हैं। हालांकि प्रीति किसी और रोल या कैमियो रोल में होंगी या नहीं, ये जानने के लिए तो अब तो मैं खुद इस तरह से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है
जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बनने जा रही है सोल्जर 2, क्या होगी सोल्जर 2 की स्टार कास्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तो चुरा ले गया यार, इतनी पसंद की गई थी बॉबी देओल की ये फिल्म, और सबके सपनों के राजा सा बन गए थे बॉबी देओल इस फिल्म के बाद, बहुत ही स्टनिंग लगे थे। और इसके सीक्वल का इंतज़ार तभी से है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, बॉलीवुड में बहुत गहरी छाप छोड़ी और उनके करियर को भी एक अलग ही हाइक मिल गई थी। जैसा कि खबर आ रही है अब कि बॉबी देओल अपनी पुरानी हिट फिल्म सोल्जर के सीक्वल पर काम करते नजर आएंगे। हमें मिली खबर के अनुसार बॉबी देओल सोल्जर फिल्म के सीक्वल सोल्जर 2 में काम करते हुए दिखेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि फिल्म सोल्जर में काम कर चुकी प्रीति जिंटा इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। प्रीति जिंटा की जगह इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी नजर आ सकती हैं, और फिल्मों से दूरी बनाने के बाद जहां प्रीति जिंटा लाइमलाइट से एकदम दूर रहती हैं, वहीं शिल्पा शेट्टी हमेशा बॉलीवुड में छाई रहती है। बल्कि वो कम फिल्में भी कर रही है लेकिन हर जगह उनकी चर्चा रहती है। शिल्पा शेट्टी डांसिंग रियलिटी शोज की जज बनी होती है, इसके साथ ही शिल्पा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी खूब एक्टिव रहती है। शिल्पा के इस फिल्म में काम करने की खबर जोरों पर है, और बस यही खबर नहीं, सोल्जर 2 को लेकर एक और खबर है और वो तेजी से फैल रही। कहा जा रहा है कि बॉबी देओल के भाई सनी देओल के बेटे करण इसमें नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाचा भतीजे की जोड़ी धमाल मचा सकती है। 2019 में पल पल दिल के पास से डेब्यू कर चुके हैं करण। ये बॉक्स ऑफिस पर खास तो नहीं चली लेकिन उनकी एक्टिंग की जरूर तारीफें की गई। हालांकि करण देओल और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के इस फिल्म में होने की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। तो इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो तानिया देओल बहुत ही बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। ये भी फाइनल हो चुका है कि वो शायद डिज़ाइन करें, और इसके अलावा ये बोलना गलत नहीं होगा कि तानिया देओल की अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, वो काफ़ी सक्सेसफुल विमेन है। तानिया देओल और बॉबी देओल की शादी साल 1996 में हुई थी और अभी तक ये लवली कपल साथ में है। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। लाएगी बॉबी देओल के करियर में बदलाव? कहां एक साथ नजर आएंगे बॉबी देओल और सनी देओल? क्या अलग देखने को मिलेगा सोल्जर 2 में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए सोल्जर 2 से जुड़े कुछ अनसुने और दिलचस्प खबरें। सोल्जर 2 में पिछले सोल्जर की तरह इस बार भी कई नए एक्टर्स और स्टंट नजर आएंगे। बॉलीवुड के फेमस एक्टर बॉबी देओल मनोरंजन की दुनिया में अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं। बॉबी देओल ने पिछले कुछ वक्त में ही ये साबित कर दिया कि वो एक बेहतर और दमदार अभिनेता है। बॉबी देओल आखिरी बार आश्रम में नजर आए थे, इसमें बॉबी ने बाबा निराला का किरदार निभाया था। इस किरदार को निभाने के लिए उन्हें कई दर्शकों से खूब तारीफें मिली, तो कई दर्शकों ने उनकी इस फिल्म का विरोध किया। बाबा राम रहीम के फॉलोअर्स ने इस फिल्म को बॉयकॉट करने तक की बात की, लेकिन इस सब तमाम दिक्कतों के बाद भी बॉबी देओल के आश्रम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। जहां एक तरफ बॉबी देओल एक बार फिर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में सफल होते नजर आ रहे हैं, वहीं बॉबी देओल के भाई सनी देओल अभी भी कुछ खास लाइमलाइट में नहीं है। 19 अक्टूबर को सनी देओल का बर्थडे था
और उनके बर्थडे पर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले अभिनेता बॉबी देओल ने अपने बड़े भाई सनी देओल को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो भैया, आप मेरे लिए मेरे संसार हो। इसके साथ ही बॉबी ने अपनी सनी देओल की और अपनी बहनों की एक तस्वीर भी शेयर की। सनी ने अपना बर्थडे बाद में अपनी फिल्म गदर 2 का काम करने के दौरान सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके भाई बॉबी, डायरेक्टर अनिल शर्मा और साथ ही कई और अन्य सदस्य भी शामिल थे। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा और टीम ने सनी देओल के लिए गदर 2 लिखा हुआ चॉकलेट केक बनवाया था। सनी इस स्पेशल केक को देख इमोशनल हो गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी देओल गदर 2 में फिर से अमीषा पटेल के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इस फिल्म पर फिलहाल अभी तक काम चल रहा है। वहीं अगर बात करें हमारे सोल्जर बॉबी देओल के वर्क फ्रेंड की, तो बॉबी अपनी फिल्म सोल्जर 2 के लिए एकदम तैयार है। अब्बास मस्तान द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म पुरानी सोल्जर फिल्म से एकदम अलग होगी। इस फिल्म में बॉबी देओल विफ कट में नजर आएंगे और उनका ये नया हेयर स्टाइल उनकी पुरानी फिल्म सोल्जर से बिल्कुल अलग होगा। और इस फिल्म में प्रीति जिंटा नजर नहीं आएंगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुरानी एक्ट्रेस में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली शिल्पा शेट्टी इस फिल्म का हिस्सा बन सकती है। शिल्पा का इस फिल्म में काम करना एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और फिल्म के लिए नयापन होगा। सोल्जर 2 में बॉबी देओल का नया हेयर स्टाइल और नई एक्ट्रेस की एंट्री शायद इस फिल्म को दर्शकों के लिए और रोचक बनाए। वेल, बॉबी देओल ने बॉलीवुड में अपनी वापसी जरूर कर ली है और उनकी कुछ खास फिल्में और वेब सीरीज ने अच्छी खासी कमाई भी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉबी अब फिर से पहले की तरह बॉलीवुड में वेल सेटल्ड हो गए हैं। वेल सेटल होने के लिए अभी भी बॉबी देओल अब तो मैं खुद इस दर से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या बना बॉबी का नया घर, किसने भर दी बॉबी की झोली, कहाँ खो गए थे अब्बास मस्तान, 22 साल से किसके साथ रिश्ते में है बॉबी, क्या बॉबी के पास है बैक टू बैक फिल्मों की लाइन। साल 1998 में आई अब्बास मस्तान की मूवी सोल्जर बॉलीवुड की वन ऑफ द इंस्टेंट हिट में से एक है, जिसे 90 के दशक का किंग ऑफ एक्शन एंड सस्पेंस भी कहा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी की आने वाली सीक्वल सोल्जर 2 के बारे में। पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस मूवी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। अब्बास मस्तान का नाम बॉलीवुड के काफी रिस्पेक्टेड एंड हिट डायरेक्टरों में आता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि लगभग 3 दशक से बॉलीवुड में काम कर चुके अब्बास मस्तान आखिर कहाँ गायब हो गए। कोरोना वायरस की वजह से हुई लॉकडाउन के दौरान तेज खबर का खुलासा हुआ था कि अब्बास मस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक मूवी पेंट हाउस बना रहे हैं। इस मूवी में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाने के लिए बॉबी देओल, अर्जुन रामपाल और शर्मन जोशी का सिलेक्शन किया है। इसके बाद से ही अब्बास मस्तान लगातार इन अभिनेताओं के लिए अभिनेत्रियों को भी खोजने में लगे हुए हैं। वहीं सोल्जर लीड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपने अभिनय से दर्शकों का खूब दिल जीत रहे हैं। इस समय पर्दे पर वो एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसे में बॉबी की छोली एक और बेहतरीन मूवी आ गिरी है। दरअसल बॉबी देओल को जल्दी निर्देशक जोरी अब्बास मस्तान की आने वाली मूवी पेंट हाउस में देखा जाने वाला है। इस मूवी में बॉबी और अब्बास मस्तान एक बार फिर से 8 सालों बाद काम करने जा रहे हैं। इससे पहले बॉबी ने सोल्जर के अलावा हमराज, अजनबी और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में अब्बास मस्तान के साथ काम किया है। और खबरों की माने तो जल्द ही हमें सोल्जर का अगला पार्ट सोल्जर 2 बिग स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई सालों से काम से दूर बैठे डायरेक्टर्स अपने एक्टिव मोड में वापस आ चुके हैं। अब्बास मस्तान के साथ दोबारा काम करने के सवाल पे बॉबी कहते हैं, अब्बास मस्तान मेरे लिए परिवार की तरह है। मूवी सोल्जर की वजह से ये जुड़ाव 22 साल पुराना रहा है। मैंने हमेशा से मूवी बनाने के लिए विजन को पसंद किया है। मैं उनके साथ फिर से काम करके बेहद खुश हूँ। वहीं अब्बास मस्तान अपनी आने वाली मूवी की शूटिंग कई हफ्ते पहले मुंबई में शुरू कर चुकी हैं।
इस निर्देशक जोड़ी की लास्ट मूवी मशीन है। इस मूवी में अब्बास ने अपने बेटे मुस्तफा को लॉन्च किया है। मुस्तफा के साथ इस मूवी में कियारा आडवाणी भी मुख्य भूमिका में नजर आएगी। बता दें कि पेंट हाउस में बॉबी के अलावा अर्जुन रामपाल, मोनी रॉय, शर्मन जोशी, सायरम बारूचा और वलूचा डिसूजा जैसे सितारे भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। मूवी की अधिकांश शूटिंग पूरी हो चुकी है और रिलीज डेट की अनाउंसमेंट होना फिलहाल अभी बाकी है। इस मूवी को एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। आजकल स्टार्स OTT के ओर काफी रुख कर रहे हैं, उनमें से सबसे आगे नाम बॉबी देओल का भी आ ही जाता है। या ऐसा कह ले बॉबी ने OTT को ही अपना नया ठिकाना बना लिया है। इस बीच अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या बनने जा रही है Soldier 2? क्या होगी Soldier 2 की स्टार कास्ट? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तो चुरा ले गया यार। इतनी पसंद की गई थी बॉबी देओल की ये फिल्म और सबके सपनों के राजा सा बन गए थे बॉबी देओल इस फिल्म के बाद। बहुत ही स्टनिंग लगे थे और इसके सीक्वल का इंतज़ार तभी से है जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। बॉलीवुड में बहुत गहरी छाप छोड़ी और उनके करियर को भी एक अलग ही हाइक मिल गई थी। जैसा कि खबर आ रही है अब कि बॉबी देओल अपनी पुरानी हिट फिल्म सोल्जर के सीक्वल पर काम करते नजर आएंगे। हमें मिली खबर के अनुसार बॉबी देओल सोल्जर फिल्म के सीक्वल सोल्जर 2 में काम करते हुए दिखेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि फिल्म सोल्जर में काम कर चुकी प्रीति जिंटा इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। प्रीति जिंटा की जगह इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी नजर आ सकती हैं और फिल्मों से दूरी बनाने के बाद जहां प्रीति जिंटा लाइमलाइट से एकदम दूर रहती हैं, वहीं शिल्पा शेट्टी हमेशा बॉलीवुड में छाई रहती है। बल्कि वो कम फिल्में भी कर रही है लेकिन हर जगह उनकी चर्चा रहती है। शिल्पा शेट्टी डांसिंग रियलिटी शोज की जज बनी होती है। इसके साथ ही शिल्पा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी खूब एक्टिव रहती है। शिल्पा के इस फिल्म में काम करने की खबर जोरों पर है और बस यही खबर नहीं, सोल्जर 2 को लेकर एक और खबर है और वो तेजी से फैल रही। कहा जा रहा है कि बॉबी देओल के भाई सनी देओल के बेटे करण इसमें नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाचा भतीजे की जोड़ी धमाल मचा सकती है। 2019 में पल पल दिल के पास से डेब्यू कर चुके हैं करण। ये बॉक्स ऑफिस पर खास तो नहीं चली लेकिन उनकी एक्टिंग की जरूर तारीफें की गई। हालांकि करण देओल और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के इस फिल्म में होने की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। तो इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो तानिया देओल बहुत ही बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। ये भी फाइनल हो चुका है कि वो शायद डिज़ाइन करें। और इसके अलावा ये बोलना गलत नहीं होगा कि तानिया देओल की अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी है। वो काफ़ी सक्सेसफुल वुमेन है। तानिया देओल और बॉबी देओल की शादी साल 1996 में हुई थी और अभी अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं रहने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। सोल्जर के निर्माता ने किन किन आम को बनाया खास? क्यों है अब्बास मस्तान का लकी नंबर 7? क्यों होता है इनकी फिल्मों में हमेशा कोई समुद्र और पानी का जहाज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड राज स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस का बादशाह और अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी बनाने वाले अब्बास मस्तान को नए चेहरे खोजने और हमेशा कुछ नया देने वाली जोड़ी के रूप में जाना जाता है। इस जोड़ी ने बॉलीवुड कोच शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, बिपाशा बासु और अब्बास खान जैसे कितने ही प्रतिभाशाली कलाकार खोज कर दिए। अब अपनी दो नई फिल्मों में भी उन्होंने कुछ नया देने की
कोशिश की है। इसके साथ ही फिल्म ऐतराज में प्रियंका को नेगेटिव कैरेक्टर में पेश किया गया, जबकि सस्पेंस थ्रिलर टार्ज़न द वंडर कार में दो नए चेहरे आयशा टाकिया और वत्सल सेठ मौका दिया गया। वैसे आयशा ने पहली फिल्म सनी देओल प्रोडक्शन की सोच ना था साइन की थी, लेकिन वो फिल्म बाद में रिलीज हुई। आपको बता दें कि अब्बास मस्तान 7 नंबर को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। उनकी ज्यादातर फिल्मों के नाम में अंग्रेजी के 7 अक्षर होते हैं, जैसे टार्ज़न द वंडर कार, ऐतराज, लेकिन दरार में 7 अक्षर नहीं थे तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ये भी काफी दिलचस्प संयोग है कि चोरी चोरी चुपके चुपके में भी 7 अक्षर नहीं थे, तो इस फिल्म के लिए निर्माता नाजिम रिजवी और भारत शाह को जेल हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि अब्बास मस्तान अक्सर अपनी फिल्मों के शीर्षक को फिल्मों के गाने के लिरिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाजीगर, बादशाह, सोल्जर, चोरी चोरी चुपके चुपके, हमराज। दोनों भाइयों को उन्हें समुद्री जहाज और नीला। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या बना बॉबी का नया घर, किसने भर दी बॉबी की झोली, कहाँ खो गए थे अब्बास मस्तान, 22 साल से किसके साथ रिश्ते में है बॉबी, क्या बॉबी के पास है बैक टू बैक फिल्मों की लाइन। साल 1998 में आई अब्बास मुस्तान की मूवी सोल्जर बॉलीवुड की वन ऑफ द इंस्टेंट हिट में से एक है, जिसे 90 के दशक का किंग ऑफ एक्शन एंड सस्पेंस भी कहा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी की आने वाली सीक्वल सोल्जर 2 के बारे में। फॉलीग्राफ स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस मूवी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। अब्बास मुस्तान का नाम बॉलीवुड के काफी रिस्पेक्टेड एंड हिट डायरेक्टरों में आता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि लगभग 3 दशक से बॉलीवुड में काम कर चुके अब्बास मुस्तान आखिर कहाँ गायब हो गए। कोरोना वायरस की वजह से हुई लॉकडाउन के दौरान तेज खबर का खुलासा हुआ था कि अब्बास मुस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मूवी पेंट हाउस बना रहे हैं। इस मूवी में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाने के लिए बॉबी देओल, अर्जुन रामपाल और शर्मन जोशी का सिलेक्शन किया है। इसके बाद से अब्बास मस्तान लगातार इन अभिनेताओं के लिए अभिनेत्रियों को भी खोजने में लगे हुए हैं। वहीं सोल्जर लीड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी अभिनय से दर्शकों का खूब दिल जीत रहे हैं। इस समय पर्दे पर वो एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसे में बॉबी की छोली एक और बेहतरीन मूवी आ गिरी है। दरअसल बॉबी देओल को जल्दी निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान की आने वाली मूवी पेंट हाउस में देखा जाने वाला है। इस मूवी में बॉबी और अब्बास मस्तान एक बार फिर से 8 सालों बाद काम करने जा रहे हैं। इससे पहले बॉबी ने सोल्जर के अलावा हमराज, अजनबी और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में अब्बास मस्तान के साथ काम किया है। और खबरों की माने तो जल्द ही हमें सोल्जर का अगला पार्ट सोल्जर 2 बिग स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई सालों से काम से दूर बैठे डायरेक्टर्स अपने एक्टिव मोड में वापस आ चुके हैं। अब्बास मस्तान के साथ दोबारा काम करने के सवाल पे बॉबी कहते हैं, अब्बास मस्तान मेरे लिए परिवार की तरह है। मूवी सोल्जर की वजह से ये जुड़ाव 22 साल पुराना रहा है। मैंने हमेशा से मूवी बनाने के लिए विजन को पसंद किया है। मैं उनके साथ फिर से काम करके बेहद खुश हूँ। वहीं अब्बास मस्तान अपनी आने वाली मूवी की शूटिंग कई हफ्ते पहले मुंबई में शुरू कर चुके हैं। इस निर्देशक जोड़ी की लास्ट मूवी मशीन है। इस मूवी में अब्बास ने अपने बेटे मुस्तफा को लॉन्च किया है। मुस्तफा के साथ इस मूवी में कियारा आडवाणी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। बता दें कि पेंट हाउस में बॉबी के अलावा अर्जुन रामपाल, मोनी रॉय, शर्मन जोशी, सायरम बारूचा और वलूथा डिसूजा जैसे सितारे भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। मूवी की अधिकांश शूटिंग पूरी हो चुकी है और रिलीज डेट की अनाउंसमेंट होना फिलहाल अभी बाकी है। इस मूवी को एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। आजकल स्टार्स OTT के ओर काफी रुख कर रहे हैं, उनमें से सबसे आगे नाम बॉबी देओल का भी आ ही जाता है, या ऐसा कह ले बॉबी ने OTT को ही अपना नया। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या
बनने जा रही है सोल्जर 2, क्या होगी सोल्जर 2 की स्टार कास्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तो चुरा ले गया यार। इतनी पसंद की गई थी बॉबी देओल की ये फिल्म और सबके सपनों के राजा सा बन गए थे बॉबी देओल इस फिल्म के बाद। बहुत ही स्टनिंग लगे थे और इसके सीक्वल का इंतजार तभी से है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। बॉलीवुड में बहुत गहरी छाप छोड़ी और उनके करियर को भी एक अलग ही हाइक मिल गई थी। जैसा कि खबर आ रही है अब कि बॉबी देओल अपनी पुरानी हिट फिल्म सोल्जर के सीक्वल पर काम करते नजर आएंगे। हमें मिली खबर के अनुसार बॉबी देओल सोल्जर फिल्म के सीक्वल सोल्जर 2 में काम करते हुए दिखेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि फिल्म सोल्जर में काम कर चुकी प्रीति जिंटा इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। प्रीति जिंटा की जगह इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी नजर आ सकती हैं और फिल्मों से दूरी बनाने के बाद जहां प्रीति जिंटा लाइमलाइट से एकदम दूर रहती हैं, वहीं शिल्पा शेट्टी हमेशा बॉलीवुड में छाई रहती है। बल्कि वो कम फिल्में भी कर रही है लेकिन हर जगह उनकी चर्चा रहती है। शिल्पा शेट्टी डांसिंग रियलिटी शोज की जज बनी होती है। इसके साथ ही शिल्पा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी खूब एक्टिव रहती है। शिल्पा के इस फिल्म में काम करने की खबर जोरों पर है और बस यही खबर नहीं, सोल्जर 2 को लेकर एक और खबर है और वो तेजी से फैल रही। कहा जा रहा है कि बॉबी देओल के भाई सनी देओल के बेटे करण इसमें नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, चाचा भतीजे की जोड़ी धमाल मचा सकती है। 2019 में पल पल दिल के पास से डेब्यू कर चुके हैं करण। ये बॉक्स ऑफिस पर खास तो नहीं चली लेकिन उनकी एक्टिंग की जरूर तारीफें की गई। हालांकि करण देओल और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के इस फिल्म में होने की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। तो इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो तानिया देओल बहुत ही बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। ये भी फाइनल हो चुका है कि वो शायद डिजाइन करें। और इसके अलावा ये बोलना गलत नहीं होगा कि तानिया देओल की अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी है। वो काफी सक्सेसफुल वुमेन है। तानिया देओल और बॉबी देओल की शादी साल 1996 में हुई थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। सोल्जर के निर्माता ने किन किन आम को बनाया खास? क्यों है अब्बास मस्तान का लकी नंबर 7? क्यों होता है इनकी फिल्मों में हमेशा कोई समुद्र और पानी का जहाज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड राज स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस का बादशाह और अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी बनाने वाले अब्बास मस्तान को नए चेहरे खोजने और हमेशा कुछ नया देने वाली जोड़ी के रूप में जाना जाता है। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, बिपाशा बासु और अब्बास खान जैसे कितने ही प्रतिभाशाली कलाकार खोज कर दिए। अब अपनी दो नई फिल्मों में भी उन्होंने कुछ नया देने की कोशिश की है। इसके साथ ही फिल्म ऐतराज में प्रियंका को नेगेटिव कैरेक्टर में पेश किया गया जबकि सस्पेंस थ्रिलर टार्ज़न द वंडर कार में दो नए चेहरे आयशा टाकिया और वत्सल सेठ मौका दिया गया। वैसे आयशा ने पहली फिल्म सनी देओल प्रोडक्शन की सोच ना था साइन की थी लेकिन वो फिल्म बाद में रिलीज हुई। आपको बता दें कि अब्बास मस्तान 7 नंबर को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। उनकी ज्यादातर फिल्मों के नाम में अंग्रेजी के 7 अक्षर होते हैं जैसे टार्ज़न द वंडर कार, ऐतराज, लेकिन दरार में 7 अक्षर नहीं थे तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ये भी काफी दिलचस्प संयोग है कि चोरी चोरी चुपके चुपके में भी 7 अक्षर नहीं थे तो इस फिल्म के लिए निर्माता नाजिम रिजवी और भारत शाह को जेल हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि अब्बास मस्तान अक्सर अपनी फिल्मों के शीर्षक को फिल्मों के गाने के लिरिक्स में इस्तेमाल करते हैं जैसे बाजीगर, बादशाह, सोल्जर, चोरी चोरी चुपके चुपके, हमराज। दोनों भाइयों को उन्हें सोल्जर 2 के लिए किन किन डायरेक्टर्स से मिल रहे हैं बॉबी देओल? कैसे चमके रेस 3 में बॉबी देओल? क्यों नहीं है बॉबी देओल को फीस की परवाह? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में जहां हम देते हैं आपको बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात करने जा रहे हैं
फिल्म सोल्जर 2 की। इस मौके पर पूरा देश भारतीय सेना के साहस और उनकी वीरता को सलाम कर रहा है। सेना के बलिदान को हमेशा बॉलीवुड ने भी सराहा है। हमेशा से ही बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं जहां आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें फिल्म में ही सही लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला है, और उनमें से एक है बॉबी देओल, जिन्होंने सोल्जर फिल्म में एक आर्मी मैन का किरदार निभाया था। और इस फिल्म के सीक्वल से बॉबी देओल अपना कमबैक करने वाले हैं। बॉबी देओल पिछले एक साल से फिल्म में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वो अब सोल्जर 2 में अपने पुराने किरदार को दोहराते हुए दिखाई देंगे। सशक्त भूमिका के साथ फिर से पर्दे पर आना चाहते हैं। इस फिल्म में बॉबी भी मुख्य भूमिका में होंगे, इसलिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं। पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर बॉबी देओल कुछ वक्त पहले रेसी में नजर आए थे। हालांकि इस दौरान उनके बड़े भाई सनी देओल ने खुलासा किया कि अब उनके भाई बॉबी को काम नहीं मिलता। 49 इयर्स के बॉबी देओल ने अपनी फिजिक को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया। हाल ही में बॉबी देओल का एक इंटरव्यू सुर्खियों में था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डअप को लेकर एक खुलासा किया। इस खुलासे में उन्होंने कहा कि अगर मैंने 20 की उम्र से ट्रेनिंग ली होती तो बॉलीवुड में मेरी बॉडी सबसे अच्छी होती। बॉबी देओल ने अपने 23 साल के इस करियर में कई सुपरहिट। सोल्जर 2 के लिए किन किन डायरेक्टर्स से मिल रहे हैं बॉबी देओल? कैसे चमके रेस 3 में बॉबी देओल? क्यों नहीं है बॉबी देओल को फीस की परवाह? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉलीग्राह स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं आपको बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। इस मौके पर पूरा देश भारतीय सेना के साहस और उनकी वीरता को सलाम कर रहा है। सेना के बलिदान को हमेशा बॉलीवुड ने भी सराहा है। हमेशा से ही बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं जहां आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें फिल्म में ही सही लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला है, और उनमें से एक है बॉबी देओल, जिन्होंने सोल्जर फिल्म में एक आर्मी मैन का किरदार निभाया था। और इस फिल्म के सीक्वल से बॉबी देओल अपना कमबैक करने वाले हैं। बॉबी देओल पिछले एक साल से फिल्म में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वो अब सोल्जर 2 में अपने पुराने किरदार को दोहराते हुए दिखाई देंगे। सशक्त भूमिका के साथ फिर से पर्दे पर आना चाहते हैं। इस फिल्म में बॉबी भी मुख्य भूमिका में होंगे, इसलिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं। पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर बॉबी देओल कुछ वक्त पहले रेसी में नजर आए थे। हालांकि इस दौरान उनके बड़े भाई सनी देओल ने खुलासा किया कि अब उनके भाई बॉबी को काम नहीं मिलता। 49 इयर्स के बॉबी देओल ने अपनी फिजिक को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया। हाल ही में बॉबी देओल का एक इंटरव्यू सुर्खियों में था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डअप को लेकर एक खुलासा किया। इस खुलासे में उन्होंने कहा कि अगर मैंने 20 की उम्र से ट्रेनिंग ली होती तो बॉलीवुड में मेरी बॉडी सबसे अच्छी होती। बॉबी देओल ने अपने 23 साल के इस करियर में क्या सोल्जर 2 में नजर आएंगे सलमान खान? स्लॉप फिल्म में देने के बाद भी कैसे हैं बॉबी देओल मालामाल? कैसा होगा सोल्जर 2 में बॉबी देओल का लुक? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं आपको बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की मेरे यानी श्रुति के साथ। बॉबी देओल की हिट फिल्म सोल्जर जल्द ही अपने सीक्वल के साथ बड़े पर्दे पर वापस आने वाली है। आपको तो याद ही होगा जब बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की सबसे बड़ी हिट फिल्म सोल्जर आई थी और इस फिल्म ने दुनिया भर को दीवाना बना दिया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस फिल्म के सीक्वल में कौन कौन से एक्टर्स दिखने वाले हैं। कई फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फिल्म की स्टार पावर बढ़ाने के लिए बॉबी देओल सलमान खान को लेकर आने वाले हैं। बीती रात बॉबी देओल सलमान खान के साथ भी नजर आए थे। सामने आई बॉबी की फोटोज देखकर सभी काफी हैरान हैं। दरअसल फोटोज में देखा जा सकता है कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है और चेहरे पर धब्बे नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सफेद रंग की शर्ट और जीन्स कैरी कर रखी थी। पहले तो उन्होंने बिना मास्क के फोटोग्राफर्स को पोज दिया और बाद में मास्क पहन लिया। उनके साथ सलमान खान की बहन अलवीरा खान और बहनोई अतुल अग्निहोत्री भी साथ थे। आपको बता दें कि बॉबी देओल लंबे समय से किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं और इसलिए उनके इस लुक से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लुक उनकी आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के लिए है और उनके उस मार्च और रग लुक को दिखाएगा। बॉबी को अपना करियर शुरू किए हुए 23 साल हो चुके हैं। इन 23 सालों में बॉबी की 3 फिल्में ऐसी थी जो ब्लॉकबस्टर रही। सोल्जर फिल्म से बॉबी ने धर्मेंद्र की याद दिलाई थी। फिल्म में बॉबी के साथ प्रीति जिंटा ने डेब्यू किया था। 2002 के बाद से बॉबी की अब तक कोई हिट फिल्म नहीं आई है। बीच में तो उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉबी की फिल्में नहीं चली इसलिए वो कंगाल हो गए। बॉबी आज भी करीब 205 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। बॉबी के पास 3 लग्जरी कार है जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। बॉबी फिल्मों के अलावा एक हाई क्लास रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। बॉबी की मुंबई में 2 चाइनीज रेस्टोरेंट है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है।
तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूँ, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्या ये एक्टर हंसी का तड़का लगाते दिखेंगे सोल्जर 2 में? कब आने वाली है सोल्जर 2? कौन कौन है स्टार कास्ट में शामिल? अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सब लोग उस फिल्म में शामिल लीड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की तारीफ करते हैं, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की लीड एक्टर्स, और उनका भी फिल्म हिट होने में उतना ही योगदान होता है। वैसे दोस्तों, एक्शन, हॉरर, रोमांस, ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा एक जॉनर है जो सभी को देखना पसंद है और वो है कॉमेडी का। जी हाँ, आजकल की स्ट्रेस और थकान भरी जिंदगी में कॉमेडी का तड़का तो बॉस लगना ही चाहिए, क्यों है ना दोस्तों? बॉलीवुड में टैलेंट वैसे भी कूट कूट कर भरा है और कॉमेडी के बादशाह भी ढेर सारे है हमारे पास। ऐसे ही कॉमेडी के किंग माने जाते हैं जॉनी लीवर, जिनके बिना फिल्म अधूरी सी लगती है। भले ही इनका स्क्रीन टाइम कम हो या ज्यादा, लेकिन जितना टाइम इन्हें मिलता है उसमें दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। ये ही नहीं, परेश रावल, कपिल शर्मा, जाकिर खान ऐसे कई सारे कॉमेडियंस हैं हमारे पास। सोल्जर 2 ये बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म आई थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और इसमें भी जॉनी लीवर को देखा गया था, लेकिन अब सुनने में आया है कि इसका जल्द ही सीक्वल बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कास्ट किसे किया जाता है ये देखने लायक होगा। बॉबी और प्रीति को ही लिया जाता है या फिर पूरी की पूरी स्टार कास्ट ही बदल दी जाती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इसमें कॉमेडी का तड़का बिल्कुल होगा ही होगा। वैसे तो करीब करीब ये जो अब तो मैं खुद इस दर से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। आखिर ये 20 नवंबर का सीक्रेट क्या है, सेट पर क्या होता था गलत और क्या हिट होगी सोल्जर 2? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। यमला पगला दीवाना 2 जो की रिलीज हुई थी 2013 में, आपको बता दें कि इस मूवी का और सोल्जर का काफी गहरा कनेक्शन है, या यूं कहे दोस्तों कि अगर सोल्जर मूवी ना बनती तो शायद ही यमला पगला दीवाना 2 बनती। अब आपको बता दें दोस्तों कि जब सोल्जर मूवी रिलीज हो रही थी तब यमला पगला दीवाना 2 के डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर थे सोल्जर मूवी के, और तब उन्होंने सोल्जर मूवी के डायरेक्टर को आइडिया दिया था कि यमला पगला दीवाना 2 का, शायद इसलिए दोस्तों शायद। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर अब्बास मस्तान को ये आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन बॉबी देओल को ये आइडिया काफी पसंद आया था। और जब यमला पगला दीवाना 2 के डायरेक्टर ने खुद से सोचा कि मूवी रिलीज करने का, तब बॉबी देओल का सबसे बड़ा हाथ था उनके सपोर्ट में, और तब जाकर रिलीज हुई थी यमला पगला दीवाना 2। दोस्तों, 20 नवंबर 1998 यही वो दिन था जब सोल्जर मूवी रिलीज हुई थी, और 20 नवंबर ही होगी वो तारीख जब सोल्जर 2 भी रिलीज होगी। इसके पीछे की वजह बता दें कि आपको पता ही है कि अब्बास मस्तान दो अलग अलग नाम है और दोनों ही काफी सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। ये दोनों 20 साल के थे जब एक दूसरे से मिले थे और दोनों ने तब ही सोल्जर मूवी बनाने की सोच ली थी। और दोस्तों, 20 नवंबर के दिन जब इन्होंने मूवी रिलीज की, साबित हुआ कि काफी सक्सेसफुल मूवी अब्बास मस्तान के लिए है। अब इसलिए अब्बास मस्तान 20 नवंबर को सबसे खास दिन मनाते हैं और 20 नवंबर को ही करेंगे सोल्जर मूवी रिलीज। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी ये 20 का आंकड़ा क्या काम आएगा सोल्जर 2 के सक्सेस के लिए। अब बात करें सोल्जर के सेट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर्स को छोड़ हर किसी के साथ होती थी नाइंसाफी, वो चाहे सपोर्टिंग एक्टर हो या बाकी के क्रू मेंबर्स। अब्बास मस्तान अपने जमाने के सबसे खड़ूस डायरेक्टर माने जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब कोई किसी की नहीं सुनता, तो क्या अब्बास मस्तान अब भी रहेंगे अपने अकड़ में? या दोस्तों, इस बार सोल्जर 2 के सेट से उनकी तारीफें भी मिलेंगी सुनने को। अब आपको बता दें कि अब्बास मस्तान की सोल्जर 2 अनाउंसमेंट ने पैदा कर दी है दो भाइयों के बीच दरार।
जी हाँ दोस्तों, सनी देओल को लगता है कि वो लीड एक्टर बनेंगे और बॉबी देओल को लगता है कि वो लीड। सनी देओल क्यों है अकेले? सेट पर कौन थे गे कपल्स? क्यों ऑडियंस नहीं चाहती सोल्जर 2 को लाना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। मार्वल स्टूडियो जो कि अमेरिका बेस्ड स्टूडियो है और अब तो इस स्टूडियो को बच्चा बच्चा जानता होगा। कैप्टन अमेरिका हो या थानोस, हर एक मार्वल का कैरेक्टर पॉपुलर है। तो आखिर क्या है कनेक्शन मार्वल और सोल्जर 2 के बीच में? तो आपको बता दें, इस बार हो सकता है मार्वल क्रिएट करे न्यू कैरेक्टर और वो कैरेक्टर देखने मिल जाए हमें सोल्जर 2 में। हां जी, इस बार सोल्जर 2 प्लान कर रही है किसी मार्वल कैरेक्टर को सोल्जर 2 में इंडल्ज करने की। जैसे कि हमने बताया था, इस बार एक होल न्यू कॉन्सेप्ट होगा और न्यू जॉनरे भी, और इस बीच मार्वल कैरेक्टर देखने मिल जाए तो हो सकता है सोल्जर 2 बन जाए वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी टिल डेट। जैसे कि सोल्जर 2 के लीड एक्टर सनी देओल होंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सनी एकदम अकेले हैं। देओल के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं है सेट पर, और आज तक अपने भी नहीं सुना होगा देओल को कोई पर्सनल अफेयर्स या किसी एक्ट्रेस को चेज करते हुए। आपको बता दें, वो अक्सर अपना एक्टिंग पार्ट खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन उनका ये इंट्रोवर्ट बिहेवियर इफेक्ट कर रहा है उनकी मूवीज पर। वो प्रमोशंस पे जाना ज्यादा पसंद नहीं करते और इस वजह से उनकी मूवीज रह जाती है सेमी हिट क्यू में। बता दें, सोल्जर मूवी जब शूट हो रही थी तब काफी सुर्खियों में थी मूवी। आपको बता दें, सोल्जर सेट पर काफी कुछ ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। जब मूवी शूट हो रही थी तो खबर आ रही थी कि सेट पर ब्रोमांस चालू था अब्बास और मस्तान के डुओ के बीच में। ये डुओ बोलने को तो डायरेक्टर्स डुओ हैं, पर मूवी क्रू मेंबर्स की माने तो ये शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ सीक्रेट अफेयर भी। अब जल्द ही सोल्जर 2 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं ये डुओ, पर अब ऑडियंस नहीं चाहती है सोल्जर 2 रिलीज हो। जैसे कि आपको पता है, सोल्जर मूवी को 22 साल पूरे हो गए हैं और ऑडियंस की माने तो अब वो मजा नहीं आएगा देखने में जो मजा 22 साल पहले था। या तो उसी वक्त कुछ सालों में मूवी रिलीज कर देनी चाहिए थी सोल्जर टीम मेंबर्स को, या अब शायद हो जाए कि मार्वल कंबाइन होने वाली है सोल्जर 2 में। ये खबर मिलते ही आ जाए ऑडियंस को मजा। आप क्या सोल्जर 2 में नजर आएंगे सलमान खान? स्लॉप फिल्म में देने के बाद भी कैसे है बॉबी देओल मालामाल? कैसा होगा सोल्जर 2 में बॉबी देओल का लुक? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं आपको बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की मेरे यानी श्रुति के साथ। बॉबी देओल की हिट फिल्म सोल्जर जल्द ही अपने सीक्वल के साथ बड़े पर्दे पर वापस आने वाली है। आपको तो याद ही होगा, जब बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की सबसे बड़ी हिट फिल्म सोल्जर आई थी और इस फिल्म ने दुनिया भर को दीवाना बना दिया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस फिल्म के सीक्वल में कौन कौन से एक्टर्स दिखने वाले हैं। कई फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फिल्म की स्टार पावर बढ़ाने के लिए बॉबी देओल सलमान खान को लेकर आने वाले हैं। बीती रात बॉबी देओल सलमान खान के साथ भी नजर आए थे। सामने आई बॉबी की फोटोज देखकर सभी काफी हैरान हैं। दरअसल फोटोज में देखा जा सकता है कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है और चेहरे पर धब्बे नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सफेद रंग की शर्ट और जीन्स कैरी कर रखी थी। पहले तो उन्होंने बिना मास्क के फोटोग्राफर्स को पोज दिया और बाद में मास्क पहन लिया। उनके साथ सलमान खान की बहन अलवीरा खान और बहनोई अतुल अग्निहोत्री भी साथ थे। आपको बता दें कि बॉबी देओल लंबे समय से किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं और इसलिए उनके इस लुक से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लुक उनकी आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के लिए है और ये उनके उस माचो और रग लुक को दिखाएगा। बॉबी को अपना करियर शुरू किए हुए 23 साल हो चुके हैं। इन 23 सालों में बॉबी की 3 फिल्में ऐसी थी जो ब्लॉकबस्टर रही। सोल्जर फिल्म से बॉबी ने धर्मेंद्र की याद दिलाई थी। फिल्म में बॉबी के साथ प्रीति जिंटा ने डेब्यू किया था। 2002 के बाद से बॉबी की अब तक कोई हिट फिल्म नहीं आई है। बीच में तो उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉबी की फिल्में नहीं चली इसलिए वो कंगाल हो गए। बॉबी आज भी करीब 205 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। बॉबी के पास 3 लग्जरी कार है जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। बॉबी फिल्मों के अलावा एक हाई क्लास रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। बॉबी के मुंबई में 2 चाइनीज रेस्टोरेंट है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का। अब तो मैं खुद इस तरह से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊँ। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है।
आखिर ये 20 नवंबर का सीक्रेट क्या है, सेट पर क्या होता था गलत और क्या हिट होगी सोल्जर 2। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। यमला पगला दीवाना 2 जो की रिलीज हुई थी 2013 में, आपको बता दें कि इस मूवी का और सोल्जर का काफी गहरा कनेक्शन है। ये यूं कहे दोस्तों कि अगर सोल्जर मूवी ना बनती तो शायद ही यमला पगला दीवाना 2 बनती। अब आपको बता दें दोस्तों कि जब सोल्जर मूवी रिलीज हो रही थी तब यमला पगला दीवाना 2 के डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर थे सोल्जर मूवी के, और तब उन्होंने सोल्जर मूवी के डायरेक्टर को आइडिया दिया था कि यमला पगला दीवाना 2 का, शायद इसलिए दोस्तों शायद। लेकिन दोस्तों डायरेक्टर अब्बास मस्तान को ये आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन बॉबी देओल को ये आइडिया काफी पसंद आया था। और जब यमला पगला दीवाना 2 के डायरेक्टर ने खुद से सोचा कि मूवी रिलीज करने का, तब बॉबी देओल का सबसे बड़ा हाथ था उनके सपोर्ट में, और तब जाकर रिलीज हुई थी यमला पगला दीवाना 2। दोस्तों 20 नवंबर 1998 यही वो दिन था जब सोल्जर मूवी रिलीज हुई थी, और 20 नवंबर ही होगी वो तारीख जब सोल्जर 2 भी रिलीज होगी। इसके पीछे की वजह बता दें कि आपको पता ही है कि अब्बास मस्तान दो अलग अलग नाम है और दोनों ही काफी सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। ये दोनों 20 साल के थे जब एक दूसरे से मिले थे और दोनों ने तभी सोल्जर मूवी बनाने की सोच ली थी। और दोस्तों 20 नवंबर के दिन जब इन्होंने मूवी रिलीज की, साबित हुआ कि काफी सक्सेसफुल मूवी अब्बास मस्तान के लिए है। अब इसलिए अब्बास मस्तान 20 नवंबर को सबसे खास दिन मनाते हैं और 20 नवंबर को ही करेंगे सोल्जर मूवी रिलीज। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी ये 20 का आंकड़ा क्या काम आएगा सोल्जर 2 के सक्सेस के लिए। अब बात करें सोल्जर के सेट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर्स को छोड़ हर किसी के साथ होती थी नाइंसाफी, वो चाहे सपोर्टिंग एक्टर हो या बाकी के क्रू मेंबर्स। अब्बास मस्तान अपने जमाने के सबसे खड़ूस डायरेक्टर माने जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब कोई किसी की नहीं सुनता। तो क्या अब्बास मस्तान अब भी रहेंगे अपने अकड़ में, या दोस्तों इस बार सोल्जर 2 के सेट से उनकी तारीफें भी मिलेंगी सुनने को। अब आपको बता दें कि अब्बास मस्तान की सोल्जर 2 अनाउंसमेंट ने पैदा कर दी है दो भाइयों के बीच दरार। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल को लगता है कि वो लीड एक्टर बनेंगे और बॉबी देओल को लगता है कि... जगह है बॉबी देओल की फेवरेट, क्या अपनी सीरीज की बात करेंगे बॉबी देओल सोल्जर 2 के अनाउंसमेंट, क्या है सोल्जर 2 के अलावा अब्बास मस्तान और बॉबी का दूसरा प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक। तो यहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें, और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। तो शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। दोस्तों हम सभी ने बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की हिट जोड़ी के बारे में सुना है, लेकिन जो असलियत में सबसे बड़ी हिट जोड़ी है वो है हिट डायरेक्टर अभिनेता की जोड़ी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसी ही एक खतरनाक जोड़ी है बॉबी देओल और डायरेक्टर अब्बास मस्तान की। हमराज से लेकर अजनबी, सोल्जर और प्लेयर्स तक उन्होंने कई बार सुपरहिट फिल्में दी हैं, और 2021 में वो हिस्ट्री रिपीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉबी देओल ने अर्जुन रामपाल के साथ नेटफ्लिक्स पर अपने अगले OTT प्रोजेक्ट पेंट हाउस की अनाउंसमेंट करने के लिए हाल ही में इंस्टाग्राम का सहारा लिया है, और आप इन हैंडसम एक्टर्स पर ध्यान देना बंद नहीं कर पाएंगे। OTT के किंग ने लिखा, क्या होता है जब 5 दोस्तों को उनके पेंट हाउस में एक अनजानी लाश मिल जाती है, एक थ्रिलर। इस अनाउंसमेंट के साथ लोगों ने सोल्जर 2 की अनाउंसमेंट की भी उम्मीद करनी शुरू कर दी है, और हो भी क्यों ना, काफी समय से सोल्जर 2 के बनने की न्यूज चल रही थी, और इस बात से लोग उम्मीद करने लगे कि सोल्जर 2 की भी बॉबी देओल जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे। इस फिल्म के फिल्मिंग लोकेशन की बात करें तो सुनने में आया है कि इस फिल्म की शूटिंग इंडिया में ही होगी। बॉबी देओल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वे एक खूबसूरत रास्ते पर चल रहे हैं। इस रास्ते के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। ये रास्ता एक गार्डन का है, गार्डन का ये रास्ता काफी खूबसूरत लग रहा है। वो चलते चलते अचानक रुकते हैं और कहते हैं, आई लव दिस प्लेस। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ये मेरी फेवरेट जगह है। उन्होंने हैशटैग के साथ नेचर लिखा है। इस वीडियो पर इंडस्ट्री से जुड़े उनके दोस्तों और फैंस ने कमेंट भी किए हैं, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र के कमेंट ने लोगों का ध्यान खींचा है।
बॉबी देओल के इस पोस्ट पर एक्टर साकिब सलीम ने फायर वाले इमोजी के साथ किंग लिखा है। वहीं दर्शन कुमार ने दिल वाले इमोजी कमेंट किए हैं। बॉबी के पिता धर्मेंद्र ने कमेंट में लिखा, लव यू बॉबी, इसे जारी रखें। अपने कमेंट में धर्मेंद्र ने दिल वाले और थम्स अप वाला इमोजी भी शामिल किया। धर्मेंद्र ने बेटे बॉबी को अपनी तरह नेचर के करीब देख काफी खुश हुए हैं। इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो शायद से सोल्जर 2 की शूटिंग लोकेशन का है। क्या लगता है आपको किस शहर में हो रही होगी सोल्जर 2 की? क्या सचमुच बन सकता है ब्लॉकबस्टर फिल्म सोल्जर का रीमेक? पहली फिल्म होने के बावजूद भी सोल्जर क्यों नहीं बन पाई प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म सोल्जर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सोल्जर के सीक्वल के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या सच में सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारने वाली है सोल्जर 2। बता दें कि फिल्म सोल्जर एक थ्रिलर फिल्म थी जिसके मेन लीड्स में बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी गुलजार थे। इसे डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने और ये दौर था अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी थ्रिलर फिल्मों का। दोनों ने मिलकर 90s के बॉलीवुड में काफी सारी एंटरटेनिंग फिल्में दी। इतना ही नहीं, सोल्जर के बाद भी इस इंसिडेंट पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में फिल्में बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्म एक सीक्वल डिजर्व करती है, इसलिए अब आपको बताते हैं सोल्जर के सीक्वल पर डायरेक्टर अब्बास मस्तान की अपडेट। काफी हाइप के बाद ये तो साफ हो गया कि सोल्जर 2 के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने की फिलहाल कोई चांस नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉबी और मस्तान ऑलरेडी अपनी अपकमिंग फिल्म पेंट हाउस पर काम कर रहे हैं जो थिएटर में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके साथ ही बॉबी की 3 और फिल्में लव हॉस्टल, अपने 2 और एनिमल लाइन में लगी हुई है जिनकी शूटिंग वो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए ऐसे में सोल्जर 2 का पॉसिबल हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब आपको बताते हैं फिल्म सोल्जर से जुड़ी एक और बेहद इंटरेस्टिंग बात। दरअसल इंडस्ट्री की डिंपल क्वीन कही जाने वाली प्रीति का बॉलीवुड का सफर फिल्म सोल्जर के जरिए हुआ था, लेकिन फिर भी प्रीति की डेब्यू फिल्म दिल से है। ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन है सोल्जर का डिले हो जाना। जी हाँ, सोल्जर की शूटिंग खत्म होते ही प्रीति शाहरुख खान की फिल्म दिल से के लिए सिलेक्ट हो गई थी। दोनों ने मिलकर 90s में बॉलीवुड को काफी सारी एंटरटेनिंग थ्रिलर फिल्म दी जिनमें शाहरुख खान की बाजीगर भी शामिल थी। मजे की बात तो ये है कि फिल्म सोल्जर अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी वो पहली फिल्म थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं थी और काफी कम लोग ये जानते हैं कि फिल्म सोल्जर पंजाब के एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड थी जहां एक शादीशुदा औरत के सर पर एक देशद्रोही सोल्जर की बीवी होने का टैग हमेशा के लिए लगा दिया गया और उसे अपने गांव से धक्के मार कर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, सोल्जर के बाद भी इस इंसिडेंट पर मल्टीपल लैंग्वेज में फिल्म बनी थी और प्लान ये था कि प्रीति पहले सोल्जर के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी और उसके बाद दिल से में दिखेंगी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से सोल्जर काफी डिले हो गई और दिल से को मजबूरन सोल्जर से पहले रिलीज। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। कैसे बनी ये स्टार पर्सनल असिस्टेंट? क्या सोल्जर फिल्म थी बॉबी देओल के लिए अनलकी? सोल्जर 2 होगी पहली फिल्म की कॉन्टिन्यूएशन। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। 90 के दशक में जब बॉबी देओल ने बॉलीवुड में कदम रखा था तब उन्होंने बरसात और गुप जैसी शानदार हिट फिल्में दी। फिल्म सोल्जर से बॉबी देओल हर दिल में बस गए। सोल्जर को रिलीज हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं।
इसी फिल्म से बॉलीवुड को डिंपल गर्ल यानी प्रीटी जिंटा भी मिल गई थी। प्रीटी जिंटा ने इसी फिल्म से लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया था। फिल्म सोल्जर ने बॉबी को रातों रात स्टार बना दिया और फिल्म के हिट होते ही बॉबी देओल और प्रीटी जिंटा की जोड़ी भी सुपर हिट हो गई और साथ ही इस फिल्म के सभी गाने भी सुपर हिट गए। इतना ही नहीं, फिल्म सोल्जर के गाने उस साल के तीसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम बनी। इसी फिल्म के दौरान प्रीटी जिंटा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर भी मिला था। सोल्जर के बाद बॉबी देओल की एक के बाद एक कई फिल्में आई लेकिन सब की सब फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने 5 साल से लगातार 7 फ्लॉप फिल्में दी। बॉबी की जिंदगी में ऐसा समय आया जब उनका करियर लगभग ही खत्म लग रहा था तो माना जाने लगा था कि सोल्जर फिल्म बॉबी देओल के लिए सबसे अनलकी है। लेकिन हो सकता है कि इस फिल्म के सीक्वल से बॉबी देओल की किस्मत बदल जाए। हाल ही में प्रीटी जिंटा ने सोल्जर फिल्म की यादों को समेटते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, न्यूजीलैंड में इस फिल्म के लिए तुम्हारे कपड़ों की खरीदारी करना मुझे याद है, मुझे तुम्हारी को स्टार होने से अधिक पर्सनल असिस्टेंट की फीलिंग आती थी, तुमने मेरा नाम बदल कर प्रीति सिंह कर दिया था और जिसके लिए मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और इस फिल्म में तुम शानदार दिखे थे। अब तो मैं खुद इस दर से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। कैसे चौंकाया था प्रीति जिंटा ने अब्बास मस्तान को, क्या 100 करोड़ क्लब में होगी सोल्जर 2 शुमार, सोल्जर के किस गाने के साथ की प्रीति जिंटा ने यादें ताजा, जानने हैं सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविदा पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। प्रीति जिंटा ने शाहरुख खान की फिल्म दिल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें बॉबी देओल साथ फिल्म सोल्जर में देखा गया। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था। प्रीति ने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक इंटरव्यू में एक किस्सा सुनाया था। प्रीति ने बताया था कि फिल्म के डायरेक्टर अब्बास वर्मावाला और मस्तान वर्मावाला उन्हें देखते ही कुर्सी से खड़े हो जाते थे। प्रीति जिंटा ने अपने सोल्जर को स्टार और एक्टर बॉबी देओल के बर्थडे पर एक नोट लिखा। इसमें उन्होंने शूटिंग के दिनों को याद किया। उन्होंने हम तो दिल चाहे तुम्हारा गाने की वीडियो क्लिप के साथ मजेदार किस्सा शेयर किया। प्रीति ने बताया था कि अब्बास मस्तान बेहद अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ। मैं जैसे ही फिल्म के सेट पर पहुँचती थी तो वो मुझे देखते ही कुर्सी छोड़ देते थे। एक बार तो मैंने मना भी किया कि ऐसा मत करिए तो उन्होंने कहा था, अरे आप हमारी हीरोइन हो, हम आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं। अब्बास और मस्तान का काम करने का अंदाज ही यही है। बॉलीवुड डायरेक्टर पर क्या बोली एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने बताया कि बॉबी देओल के साथ भी मैं कोई सीन मिस नहीं कर सकती थी क्योंकि इस दौरान मुझे 2 नहीं बल्कि 4 आंखें देख रही होती थी क्योंकि दोनों सेट पर मौजूद रहते थे। लेकिन मैंने उनके साथ काम करके बहुत सीखा भी है। वो खुद एक छोटे से कमरे में रह सकते हैं लेकिन कभी भी फिल्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे लिए उनके साथ काम करना वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म सोल्जर 12 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था और फिल्म ने पूरे 45 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बेस्ट एक्शन के लिए फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब जल्द ही इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है और लगता है कि ये फिल्म एक बड़ी हिट। अब तो मैं खुद इस दर से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। कैसे बनी ये स्टार पर्सनल असिस्टेंट, क्या सोल्जर फिल्म थी बॉबी देओल के लिए अनलकी, सोल्जर 2 होगी पहली फिल्म की कॉन्टिन्यूएशन। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की।
90 के दशक में जब बॉबी देओल ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तब उन्होंने बरसात और गुप जैसी शानदार हिट फिल्में दी। फिल्म सोल्जर से बॉबी देओल हर दिल में बस गए। सोल्जर को रिलीज हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं। इसी फिल्म से बॉलीवुड को डिंपल गर्ल यानी प्रीटी जिंटा भी मिल गई थी। प्रीटी जिंटा ने इसी फिल्म से लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया था। फिल्म सोल्जर ने बॉबी को रातों रात स्टार बना दिया और फिल्म के हिट होते ही बॉबी देओल और प्रीटी जिंटा की जोड़ी भी सुपर हिट हो गई और साथ ही इस फिल्म के सभी गाने भी सुपर हिट गए। इतना ही नहीं, फिल्म सोल्जर के गाने उस साल के तीसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम बनी। इसी फिल्म के दौरान प्रीटी जिंटा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर भी मिला था। सोल्जर के बाद बॉबी देओल की एक के बाद एक कई फिल्में आई, लेकिन सब की सब फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने 5 साल से लगातार 7 फ्लॉप फिल्में दी। बॉबी की जिंदगी में ऐसा समय आया जब उनका करियर लगभग ही खत्म लग रहा था, तो माना जाने लगा था कि सोल्जर फिल्म बॉबी देओल के लिए सबसे अनलकी है। लेकिन हो सकता है कि इस फिल्म के सीक्वल से बॉबी देओल की किस्मत बदल जाए। हाल ही में प्रीटी जिंटा ने सोल्जर फिल्म की यादों को समेटते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, न्यूजीलैंड में इस फिल्म के लिए तुम्हारे कपड़ों की खरीदारी करना मुझे याद है। मुझे तुम्हारी को-स्टार होने से अधिक पर्सनल असिस्टेंट की फीलिंग आती थी। तुमने मेरा नाम बदल कर प्रीति सिंह कर दिया था और जिसके लिए मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और इस फिल्म में तुम शानदार दिखे थे। इस फिल्म में सनी देओल क्यों हैं अकेले? सेट पर कौन थे गे कपल्स? क्यों ऑडियंस नहीं चाहती सोल्जर 2 को लाना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। मार्वल स्टूडियो, जो कि अमेरिका बेस्ड स्टूडियो है और अब तो इस स्टूडियो को बच्चा बच्चा जानता होगा। कैप्टन अमेरिका हो या थानोस, हर एक मार्वल का कैरेक्टर पॉपुलर है। तो आखिर क्या है कनेक्शन मार्वल और सोल्जर 2 के बीच में? तो आपको बता दें, इस बार हो सकता है मार्वल क्रिएट करे न्यू कैरेक्टर और वो कैरेक्टर देखने मिल जाए हमें सोल्जर 2 में। हां जी, इस बार सोल्जर 2 प्लान कर रही है किसी मार्वल कैरेक्टर को सोल्जर 2 में इंडल्ज करने की। जैसे कि हमने बताया था, इस बार एक होल न्यू कॉन्सेप्ट होगा और न्यू जॉनरे भी, और इस बीच मार्वल कैरेक्टर देखने मिल जाए तो हो सकता है सोल्जर 2 बन जाए वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी टिल डेट। जैसे कि सोल्जर 2 के लीड एक्टर सनी देओल होंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सनी एकदम अकेले हैं। देओल के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं है सेट पर, और आज तक अपने भी नहीं सुना होगा देओल को कोई पर्सनल अफेयर्स या किसी एक्ट्रेस को चेज करते हुए। आपको बता दें, वो अक्सर अपना एक्टिंग पार्ट खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन उनका ये इंट्रोवर्ट बिहेवियर इफेक्ट कर रहा है उनके मूवीज पर। वो प्रमोशंस पे जाना ज्यादा पसंद नहीं करते और इस वजह से उनकी मूवीज रह जाती है सेमी हिट क्यू में। बता दे, सोल्जर मूवी जब शूट हो रही थी तब काफी सुर्खियों में थी मूवी। आपको बता दे, सोल्जर सेट पर काफी कुछ ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। जब मूवी शूट हो रही थी तो खबर आ रही थी कि सेट पर ब्रोमांस चालू था अब्बास और मस्तान के डुओ के बीच में। ये डुओ बोलने को तो डायरेक्टर्स डुओ हैं, पर मूवी क्रू मेंबर्स की माने तो ये शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ सीक्रेट अफेयर भी। अब जल्द ही सोल्जर 2 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं ये डुओ, पर अब ऑडियंस नहीं चाहती है सोल्जर 2 रिलीज हो। जैसे कि आपको पता है, सोल्जर मूवी को 22 साल पूरे हो गए और ऑडियंस की माने तो अब वो मजा नहीं आएगा देखने में जो मजा 22 साल पहले था। या तो उसी वक्त कुछ सालों में मूवी रिलीज कर देनी चाहिए थी सोल्जर टीम मेंबर्स को, या अब शायद हो जाए कि मार्वल कंबाइन होने वाली है सोल्जर 2 में, ये खबर मिलते ही आ जाए ऑडियंस को मजा। Thank you.
बार भी सोल्जर 2 को अनु मलिक की म्यूजिक दें। आपको बता दें जब बॉबी ने सोल्जर की शूटिंग स्टार्ट की थी तब वो इंजर्ड थे और अपनी इंजर्ड बॉडी से ही उन्होंने शूट स्टार्ट की, लेकिन अपने आजू बाजू इतने सारे मेंबर्स को देखकर वो एक समय के लिए घबरा गए थे और तब उन्हें प्रीति जिंटा ने कूल डाउन किया था। और जब मूवी न्यूजीलैंड में शूट हो रही थी तब न्यूजीलैंड में स्नो सीजन था, उस वक्त प्रीति ने तो वार्म क्लोथ पहने थे लेकिन बॉबी ने हाफ पीस वाली जैकेट पहनी थी और बॉबी ठंड के मारे शिवर करने लगे। ये सब बातें प्रीति ने सोल्जर मूवी के रिसेंटली 22 इयर्स पूरे होने पर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर करके पुरानी यादें को ताजा किया। अरण्या पांडे जो चंकी पांडे की बेटी है और वह एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट भी कहलाती है, इस बार अरण्या ने की है स्पेशल रिक्वेस्ट सोल्जर मूवी के टीम मेंबर से कि वो इस बार लीड हीरोइन बनना चाहती है सोल्जर 2 की। अरण्या ने कहा कि जब वो छोटी थी सोल्जर मूवी उनकी फेवरेट मूवी थी और वो सोल्जर की सॉन्ग पूरे दिन गुनगुनाती रहती और आज जब उनके पास मौका है एक्टिंग करने का तो वो नहीं गंवाना चाहती है ये मौका और वो सोल्जर 2 में लीड एक्ट्रेस बनना चाहती। अब अरण्या की स्ट्रगलिंग स्टोरी देखकर क्या मौका देंगे फिल्म मेकर्स अरण्या को लीड एक्ट्रेस का, ये तो आप मूवी मेकर्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर ही पता चलेगा। जैसा कि बॉबी देओल की लास्ट हिट मूवी सोल्जर थी, उसके बाद कोई हिट मूवी नहीं थी बॉबी ने, लेकिन अभी ये हो सकता है कि एक और बार सोल्जर 2 में बॉबी स्टार करने लगे शायद और वो फिर से एक स्टारर के साथ धूम मचा दे। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। कैसे चौंकाया था प्रीति जिंटा ने अब्बास मस्तान को, क्या 100 करोड़ क्लब में होगी सोल्जर 2 शुमार, सोल्जर के किस गाने के साथ की प्रीति जिंटा ने यादें ताजा। जानने हैं सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविदा पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। प्रीति जिंटा ने शाहरुख खान की फिल्म दिल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद उन्हें बॉबी देओल साथ फिल्म सोल्जर में देखा गया। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था। प्रीति ने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक इंटरव्यू में एक किस्सा सुनाया था। प्रीति ने बताया था कि फिल्म के डायरेक्टर अब्बास वर्मा वाला और मस्तान वर्मा वाला उन्हें देखते ही कुर्सी से खड़े हो जाते थे। प्रीति जिंटा ने अपने सोल्जर को स्टार और एक्टर बॉबी देओल के बर्थडे पर एक नोट लिखा, इसमें उन्होंने शूटिंग के दिनों को याद किया। उन्होंने हम तो दिल चाहे तुम्हारा गाने की वीडियो क्लिप के साथ मजेदार किस्सा शेयर किया। प्रीति ने बताया था कि अब्बास मस्तान बेहद अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ। मैं जैसे ही फिल्म के सेट पर पहुँचती थी तो वो मुझे देखते ही कुर्सी छोड़ देते थे। एक बार तो मैंने मना भी किया कि ऐसा मत करिए, तो उन्होंने कहा था अरे आप हमारी हीरोइन हो, हम आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं। अब्बास और मस्तान का काम करने का अंदाज ही यही है। बॉलीवुड डायरेक्टर पर क्या बोली एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने बताया कि बॉबी देओल के साथ भी मैं कोई सीन मिस नहीं कर सकती थी क्योंकि इस दौरान मुझे 2 नहीं बल्कि 4 आंखें देख रही होती थी क्योंकि दोनों सेट पर मौजूद रहते थे, लेकिन मैंने उनके साथ काम करके बहुत सीखा भी है। वो खुद एक छोटे से कमरे में रह सकते हैं लेकिन कभी भी फिल्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मेरे लिए उनके साथ काम करना वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म सोल्जर 12 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था और फिल्म ने पूरे 45 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बेस्ट एक्शन के लिए फिल्म को फिल्म फेयर कुमार सानू के
सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं रहने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। सोल्जर के निर्माता ने किन किन आम को बनाया खास, क्यों है अब्बास मस्तान का लकी नंबर 7, क्यों होता है इनकी फिल्मों में हमेशा कोई समुद्र और पानी का जहाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड राज स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस का बादशाह और अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी बनाने वाले अब्बास मस्तान को नए चेहरे खोजने और हमेशा कुछ नया देने वाली जोड़ी के रूप में जाना जाता है। इस जोड़ी ने बॉलीवुड कोच शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, बिपाशा बासु और अब्बास खान जैसे कितने ही प्रतिभाशाली कलाकार खोज कर लिए। अब अपनी दो नई फिल्मों में भी उन्होंने कुछ नया देने की कोशिश की है। इसके साथ ही फिल्म ऐतराज में प्रियंका को नेगेटिव कैरेक्टर में पेश किया गया, जबकि सस्पेंस थ्रिलर टार्ज़न द वंडर कार में दो नए चेहरे आयशा टाकिया और वत्सल सेठ मौका दिया गया। वैसे आयशा ने पहली फिल्म सनी देओल प्रोडक्शन की सोच ना था साइन की थी, लेकिन वो फिल्म बाद में रिलीज हुई। आपको बता दे कि अब्बास मस्तान 7 नंबर को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। उनकी ज्यादातर फिल्मों के नाम में अंग्रेजी के 7 अक्षर होते हैं, जैसे टार्ज़न द वंडर कार, ऐतराज, लेकिन दरार में 7 अक्षर नहीं थे तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ये भी काफी दिलचस्प संयोग है कि चोरी चोरी चुपके चुपके में भी 7 अक्षर नहीं थे, तो इस फिल्म के लिए निर्माता नाजिम रिजवी और भारत शाह को जेल हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि अब्बास मस्तान अक्सर अपनी फिल्मों के शीर्षक को फिल्मों के गाने के लिरिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाजीगर, बादशाह, सोल्जर, चोरी चोरी चुपके चुपके, हम रा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं रहने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। एक्टर हंसी का तड़का लगाते दिखेंगे सोल्जर 2 में, कब आने वाली है सोल्जर 2, कौन कौन है स्टार कास्ट में शामिल, अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीवुड राज स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सब लोग उस फिल्म में शामिल लीड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की तारीफ करते हैं, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की लीड एक्टर्स, और उनका भी फिल्म हिट होने में उतना ही योगदान होता है। वैसे दोस्तों, एक्शन, हॉरर, रोमांस, ये सब तो ठीक है,
लेकिन ऐसा एक जॉनर है जो सभी को देखना पसंद है और वो है कॉमेडी का। जी हाँ, आजकल की स्ट्रेस और थकान भरी जिंदगी में कॉमेडी का तड़का तो बॉस लगना ही चाहिए, क्यों है ना दोस्तों। बॉलीवुड में टैलेंट वैसे भी कूट कूट कर भरा है और कॉमेडी के बादशाह भी ढेर सारे हैं हमारे पास। ऐसे ही कॉमेडी के किंग माने जाते हैं जॉनी लीवर, जिनके बिना फिल्म अधूरी सी लगती है। भले ही इनका स्क्रीन टाइम कम हो या ज्यादा, लेकिन जितना टाइम इन्हें मिलता है उसमें दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। ये ही नहीं, परेश रावल, कपिल शर्मा, जाकिर खान ऐसे कई सारे कॉमेडियंस हैं हमारे पास। सोल्जर 2 ये बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म आई थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और इसमें भी जॉनी लीवर को देखा गया था। लेकिन अब सुनने में आया है कि इसका जल्द ही सीक्वल बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कास्ट किसे किया जाता है ये देखने लायक होगा। बॉबी और प्रीति को ही लिया जाता है या फिर पूरी की पूरी स्टार कास्ट ही बदल दी जाती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इसमें कॉमेडी का तड़का बिल्कुल होगा ही होगा। प्रीति जिंटा और पेट्रियोटिक फिल्मों का कनेक्शन, क्या है बॉलीवुड का नया देशभक्ति फिल्मों का जॉनर, कौन सी नई कास्ट हो सकती है सोल्जर 2 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। दोस्तों, ट्रेडिशनल रूप से बॉलीवुड में देशभक्ति की कुछ मेन फिल्में रही हैं, जैसे कि उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में मनोज कुमार ने मिट्टी से जुड़ी कहानियों को दिखाया। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंदी सिनेमा में शांत देशभक्ति वाली फिल्मों की एक नई तरीके की फिल्में चलने लगी हैं। कुछ फिल्म निर्माताओं ने एक अच्छे देशभक्त इंडियन की डेफिनेशन को ही बदल दिया है। ऐसे ही फिल्मों में एक और नाम जुड़ने वाला है सोल्जर फिल्म के सीक्वल का। सोल्जर फिल्म में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा साथ में दिखे थे। वैसे भी प्रीति जिंटा और पेट्रियोटिक फिल्मों के साथ एक अलग कनेक्शन है। तो क्या है कनेक्शन, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रीति जिंटा ने सोल्जर फिल्म के बावजूद हिट फिल्म लक्ष्य में भी काम किया था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक भटके हुए नौजवान की भूमिका निभाते हैं जो 1999 में कारगिल युद्ध में अपना नाम कमाता है। प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऋतिक ने बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस के साथ जमकर रोमांस किया है, लेकिन प्रीति जिंटा के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। हालांकि फिल्म मिशन कश्मीर में काम करने के लिए ऋतिक को प्रीति से कम पैसे मिले थे, जो भी एक और पेट्रियोटिक मूवी थी। इन पेट्रियोटिक फिल्मों के साथ प्रीति के कनेक्शन की शुरुआत सोल्जर फिल्म से ही हुई थी। अब सुनने में यह भी आया है कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें कारगिल वॉर की कहानी को ही दिखाया जाएगा और हो सकता है कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें प्रीति जिंटा की जगह एक नई हीरोइन दिखे। कारगिल विजय पर बॉलीवुड में भी काफी कुछ फिल्में अच्छे तौर पर बनी हैं। इनमें से कई फिल्मों को आज भी दर्शक काफी पसंद करते हैं। सुनने में आया है कि सोल्जर 2 फिल्म एलओसी कारगिल जैसी होने वाली है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स इसे एक सीरियस फिल्म के रूप में बनाना चाहते हैं और इसीलिए हो सकता है कि इस फिल्म में हमें एक स्टार स्टडेड कास्ट दिखे। जेपी दत्ता ने फिल्म में हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों की फौज इकट्ठी की थी। इसमें संजय दत्त, सुनील शेट्टी, करण नाथ, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, रानी मुखर्जी, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, करीना कपूर, ईशा देओल, रवीना टंडन, प्रीति जंगियानी और महिमा चौधरी लीड में थे। और सोल्जर 2 के लिए तारा सुतारिया, श्रद्धा कपूर और जानवी कपूर को सबसे आगे कंसीडर किया जा रहा है। क्या अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल के जरिए बॉलीवुड में अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं बॉबी देओल? आखिर क्या है अभिषेक बच्चन और बॉबी देओल के बीच में कॉमन? सोल्जर 2 के लिए कैसी खास तैयारी कर रहे हैं बॉबी देओल? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 1990s के जमाने में सुपरस्टार धर्मेंद्र के दोनों ही बेटों ने बॉलीवुड में अपना काफी ज्यादा नाम कमाया है। सनी देओल और बॉबी देओल दोनों ही बॉलीवुड के जाने माने सितारे हैं, जहां एक तरफ सनी देओल की सुपर हिट एक्टिंग, एक्शन और डायलॉग डिलीवरी के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है, वहीं दोस्तों बॉबी देओल का डांसिंग स्टाइल और उनकी कुछ हिट हुई फिल्मों के लिए उनका नाम बॉलीवुड में आज भी पॉपुलैरिटी की लिस्ट में शामिल है। लेकिन पिछले कई सालों से बॉबी देओल का नाम बी टाउन में कहीं गायब सा होता जा रहा है।
कुछ समय पहले रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म हाउसफुल 4 में भी उनके कैरेक्टर का ज्यादा फोकस नहीं रखा गया था। हम सभी जानते हैं कि एक टाइम पर बॉलीवुड के सबसे उम्दा कलाकारों में से बॉबी देओल थे, लेकिन बार बार फ्लॉप फिल्म देने के बाद बॉबी देओल के नाम को सभी भूलने लगे। दोस्तों बॉबी देओल की चुनिंदा कुछ सुपरहिट फिल्मों में से एक 1998 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर के सीक्वल को बनाने की खबरें मार्केट में आजकल काफी ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। उस जमाने में बॉबी देओल की ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था। ये भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड में बॉबी देओल का नाम इस फिल्म के बाद ही काफी ऊंचा उठने लगा था। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रीति जिंटा ने काम किया था और उनकी एक्टिंग और फिल्म की कहानी में काफी ज्यादा दम था। गाने और डांसिंग स्टाइल भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आए थे और सालों बाद 2021 में फिल्म के सीक्वल को बनाने की जरूरत भी शायद इसलिए ही पकड़ी हुई है ताकि दोस्तों बॉलीवुड से बॉबी देओल का नाम गायब होता जा रहा है उसे वापस से ट्रैक पर लाया जा सके। जिस तरह से सोल्जर फिल्म की कहानी और बॉबी देओल की एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड में एक नाम कमाने का मौका दिया था, हो सकता है कि इसी फिल्म से दोस्तों इस फिल्म के सीक्वल के जरिए बॉबी देओल की कोई भी पहचान भी उन्हें वापस मिल जाए। कुछ समय पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को फैंस ने काफी पसंद किया था और कहानी में काफी ज्यादा दम था। साथ ही साथ दोस्तों बॉबी देओल की एक्टिंग भी काबिले तारीफ थी, लेकिन वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम उन्हें बॉलीवुड में एक फ्लॉप स्टार से सुपरस्टार नहीं बना सकती। लेकिन दोस्तों काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि बॉबी देओल अगर कोई भी फिल्म करते हैं तो वो एक सिंगल हीरो फिल्म नहीं होती है। ज्यादातर बॉबी देओल उन्हीं फिल्मों में आजकल नजर आ रहे हैं जो एक मल्टी स्टार फिल्म होती है। अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी कहा था कि वो मल्टी स्टार फिल्म करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कैमरा फोकस पूरी तरह से उन पर नहीं रहता। लेकिन दोस्तों अगर दोनों ही ऐसे एक्टर्स हैं जो मल्टी स्टार मूवी ना करना पसंद करते हैं, अगर एक साथ मूवी में आ जाए तो क्या होगा? वही दोस्तों होगा जो सोल्जर फिल्म के अगले सीक्वल का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि सोल्जर के सीक्वल में बॉबी देओल के साथ साथ अभिषेक बच्चन नजर आ सकते हैं, जहां एक तरफ एक एक्टर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाता नजर आएगा तो वहीं दूसरा एक्टर इंडियन आर्मी के सोल्जर का कैरेक्टर निभा। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूं इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूं क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। सोल्जर 2 के लिए किन किन डायरेक्टर से मिल रहे हैं बॉबी देओल, कैसे चमके रेस 3 में बॉबी देओल और क्यों नहीं है बॉबी देओल को फीस की परवाह? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी, बॉलीग्राड स्टूडियोज, जहाँ हम देते हैं आपको बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। इस मौके पर पूरे देश भारतीय सेना के साहस और इनकी वीरता को सलाम कर रहा है। सेना के बलिदान को हमेशा बॉलीवुड में भी सराहा है और दोस्तों हमेशा से ही बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं जहां आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें फिल्म में ही सही लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला है और उनमें से एक है बॉबी देओल, जिन्होंने सोल्जर फिल्म में एक आर्मी मैन का किरदार निभाया था और इस फिल्म के सीक्वल से बॉबी देओल अपना कमबैक करने वाले हैं। बॉबी देओल पिछले एक साल से फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और सोल्जर 2 में अपने पुराने किरदार को धराते हुए दिखाई देंगे। पिछले कुछ महीनों में बॉबी देओल ने आदित्य चोपड़ा, साजिद नारियावाला, रितेश सिद्धवानी आदि सैनिक से मुलाकात की है। उनका एजेंडा था स्ट्रॉन्ग किरदारों के साथ वापसी। दोस्तों ये किरदार एक सिंपल हीरो ना होकर एक ट्विस्ट के साथ नए किरदार में होंगे। कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी बॉबी ने मुलाकात की है और वो फिल्म को एक शेड्यूल में पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने फीस के बारे में कोई बात नहीं की और फीस के बजाय वो सशक्त भूमिका के साथ फिर से पर्दे पर आना चाहते हैं। इस फिल्म में बॉबी की भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे और इसलिए वो काफी मेहनत भी कर रही हैं। पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर बॉबी देओल कुछ वक्त पहले रेस 3 में नजर आए थे। हालांकि दोस्तों इस दौरान उनके बड़े भाई सनी देओल ने खुलासा किया था कि अब उनके भाई बॉबी को काम नहीं मिलता। दोस्तों 49 साल के बॉबी देओल ने अपनी फिजीक को लेकर हैरान कर देने वाले बयान दिए हैं। हाल ही में बॉबी देओल का एक इंटरव्यू सुर्खियों में है और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डअप को लेकर एक खुलासा किया है। इस खुलासे में उन्होंने कहा कि अगर मैंने 20 की उम्र में ट्रेनिंग ली होती तो बॉलीवुड में मेरी बॉडी सबसे अच्छी होती। दोस्तों बॉबी देओल ने अपने 23 के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दोस्तों लगभग 4 साल खाली बैठने के बाद बॉबी को सलमान की फिल्म रेस 3 में अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूं इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूं क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं?
सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। सोल्जर 2 को लेकर कौन से विवादों में, सेट डिजाइन की खासियत क्या है और सनी और बॉबी में कैसा झगड़ा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आपको हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि क्या धर्मेंद्र चाहते थे कि सनी देओल को लिया जाए सोल्जर मूवी में, लेकिन दोस्तों डायरेक्टर अब्बास मस्तान का मानना था कि बॉबी देओल से अच्छा कोई नहीं हो सकता है सोल्जर मूवी के लिए। और आपको बता दें कि सोल्जर मूवी में सनी देओल एज ए लीड एक्टर देखने के लिए काफी डिमांड आई थी, लेकिन दोस्तों जब सोल्जर मूवी रिलीज हुई तब बॉबी ने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाकर सबकी बोलती बंद कर दी। और दोस्तों अब जब फाइनली सोल्जर का सीक्वल यानी कि सोल्जर 2 बन रही है तो डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने फैसला किया है कि दोस्तों वो इस बार सनी देओल को एज ए लीड एक्टर लेना चाहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हो जाएंगे बॉबी देओल अपनी जगह अपने भाई को देखकर गुस्सा? तो दोस्तों आपको बता दें कि बात सामने आ रही है कि बॉबी देओल का ईगो हर्ट हुआ है और उनके भाई को बार बार उनके मूवी में इंडल्ज किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि बॉबी देओल ने सोल्जर मूवी के टाइम कमिटमेंट की थी कि जब भी सोल्जर 2 बनेगी वही बनेंगे फिर से हीरो। बात करें धर्मेंद्र की तो दोस्तों धर्मेंद्र फंस चुके हैं अपने दोनों बेटों के बीच। इतना ही नहीं बल्कि हेटर्स तो ये भी कहते हैं कि धर्मेंद्र हैं दोनों बेटों के बीच में दीवार की वजह। आपको बता दें दोस्तों कि धर्मेंद्र अपने जमाने के आइकॉनिक हैंडसम और आइकॉनिक एक्टर्स में से एक है। धर्मेंद्र का मानना है कि उन्हें अपने बच्चों को गाइड करना बराबर आता है और कौन सा रोल किस बेटे के ऊपर जाएगा वो उन्हें काफी अच्छे से पता है। अपने बेटे के बीच में दीवार की वजह के है लाकर धर्मेंद्र फंस गए हैं विवादों में। दोस्तों सोल्जर मूवी के सेट की बात करें तो दोस्तों सोल्जर मूवी का सेट डिजाइन करने में लग गया है लगभग एक महीना। सेट डिजाइन करके इंजीनियर्स और इंटीरियर डिजाइन ने काफी मेहनत की है और दोस्तों हॉल का सीन या घर का सीन हर छोटी मोटी जगहों को काफी कम्फर्टेबली डिजाइन किया गया था। आपको बता दें सोल्जर मूवी के सेट को डिजाइन एंड रेडी करने में 1 करोड़ के नजदीक खर्च आया है। इस बार सोल्जर 2 की स्टोरी की बात करें तो दोस्तों हमें मिली खबर के अनुसार सोल्जर 2 में इस बार देशद्रोही सोल्जर की कहानी होगी जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सोल्जर कुछ पैसों में अपने देश के खिलाफ बिक जाएगा और अपने साथियों की इन्फॉर्मेशन वो टेररिस्ट के पास पहुंचा देगा। आपको बता दें कि फिलहाल इन सब बातों को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है पर तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। सोल्जर 2 के लिए किन किन डायरेक्टर से मिल रहे हैं बॉबी देओल? कैसे चमके रेस 3 में बॉबी देओल और क्यों नहीं है बॉबी देओल को फीस की परवाह? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी है बॉलीग्राड स्टूडियोज, जहां हम देते हैं आपको बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। इस मौके पर पूरे देश भारतीय सेना के साहस और उनकी वीरता को सलाम कर रहा है। सेना के बलिदान को हमेशा बॉलीवुड में भी सराहा है और दोस्तों हमेशा से ही बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं जहां आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें फिल्म में ही सही लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला है और उनमें से एक हैं बॉबी देओल, जिन्होंने सोल्जर फिल्म में एक आर्मी मैन का किरदार निभाया था और इस फिल्म के सीक्वल से बॉबी देओल अपना कमबैक करने वाले हैं। बॉबी देओल पिछले एक साल से फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और सोल्जर 2 में अपने पुराने किरदार को धराते हुए दिखाई देंगे। पिछले कुछ महीनों में बॉबी देओल ने आदित्य चोपड़ा, साजिद नारियावाला, रितेश सिद्धवानी आदि सैनिकों से मुलाकात की है। उनका एजेंडा था स्ट्रॉन्ग किरदारों के साथ वापसी। दोस्तों ये किरदार एक सिंपल हीरो ना होकर एक ट्विस्ट के साथ नए किरदार में होंगे। कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी बॉबी ने मुलाकात की है और वो फिल्म को एक स्केड्यूल में पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने फीस के बारे में कोई बात नहीं की और फीस के बजाय वो सशक्त भूमिका के साथ फिर से पर्दे पर आना चाहते हैं। इस फिल्म में बॉबी की भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे और इसलिए वो काफी मेहनत भी कर रही हैं। पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर बॉबी देओल कुछ वक्त पहले रेस 3 में नजर आए थे। हालांकि दोस्तों इस दौरान उनके बड़े भाई सनी देओल ने खुलासा किया था कि अब उनके भाई बॉबी को काम नहीं मिलता।
दोस्तों 49 साल के बॉबी देओल ने अपनी फिजीक को लेकर हैरान कर देने वाले बयान दिए हैं। हाल ही में बॉबी देओल का एक इंटरव्यू सुर्खियों में है और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डअप को लेकर एक खुलासा किया है। इस खुलासे में उन्होंने कहा कि अगर मैंने 20 की उम्र में ट्रेनिंग ली होती तो बॉलीवुड में मेरी बॉडी सबसे अच्छी होती। दोस्तों बॉबी देओल ने अपने 23 के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दोस्तों लगभग 4 साल खाली बैठने के बाद बॉबी को सलमान की फिल्म रेस 3 में कमबैक। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना, आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। सोल्जर 2 को लेकर कौन से विवादों में, सेट डिजाइन की खासियत क्या है और सनी और बॉबी में कैसा झगड़ा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आपको हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि क्या धर्मेंद्र चाहते थे कि सनी देओल को लिया जाए सोल्जर मूवी में, लेकिन दोस्तों डायरेक्टर अब्बास मस्तान का मानना था कि बॉबी देओल से अच्छा कोई नहीं हो सकता है सोल्जर मूवी के लिए। और आपको बता दें कि सोल्जर मूवी में सनी देओल एज ए लीड एक्टर देखने के लिए काफी डिमांड आई थी, लेकिन दोस्तों जब सोल्जर मूवी रिलीज हुई तब बॉबी ने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाकर सबकी बोलती बंद कर दी। और दोस्तों अब जब फाइनली सोल्जर का सीक्वल यानी कि सोल्जर 2 बन रही है तो डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने फैसला किया है कि दोस्तों वो इस बार सनी देओल को एज ए लीड एक्टर लेना चाहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हो जाएंगे बॉबी देओल अपनी जगह अपने भाई को देखकर गुस्सा। तो दोस्तों आपको बता दें कि बात सामने आ रही है कि बॉबी देओल का ईगो हर्ट हुआ है और उनके भाई को बार बार उनके मूवी में इंडल्ज किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि बॉबी देओल ने सोल्जर मूवी के टाइम कमिटमेंट्स की थी कि जब भी सोल्जर 2 बनेगी वही बनेंगे फिर से हीरो। बात करें धर्मेंद्र की तो दोस्तों धर्मेंद्र फंस चुके हैं अपने दोनों बेटों के बीच। इतना ही नहीं बल्कि हेटर्स तो ये भी कहते हैं कि धर्मेंद्र हैं दोनों बेटों के बीच में दीवार की वजह। आपको बता दें दोस्तों कि धर्मेंद्र अपने जमाने के आइकॉनिक हैंडसम और आइकॉनिक एक्टर्स में से एक हैं। धर्मेंद्र का मानना है कि उन्हें अपने बच्चों को गाइड करना बराबर आता है और कौन सा रोल किस बेटी के ऊपर जाएगा वो उन्हें काफी अच्छे से पता है। अपने बेटे के बीच में दीवार की वजह कह लाकर धर्मेंद्र फंस गए हैं विवादों में। दोस्तों सोल्जर मूवी के सेट की बात करें तो दोस्तों सोल्जर मूवी का सेट डिजाइन करने में लग गया है लगभग 1 महीना। सेट डिजाइन करके इंजीनियर्स और इंटीरियर डिजाइन ने काफी मेहनत की है और दोस्तों हॉल का सीन या घर का सीन हर छोटी मोटी जगहों को काफी कम्फर्टेबली डिजाइन किया गया था। आपको बता दें सोल्जर मूवी के सेट को डिजाइन एंड रेडी करने में 1 करोड़ के नजदीक खर्च आया है। इस बार सोल्जर 2 की स्टोरी की बात करें तो दोस्तों हमें मिली खबर के अनुसार सोल्जर 2 में इस बार देशद्रोही सोल्जर की कहानी होगी जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सोल्जर कुछ पैसों में अपने देश के खिलाफ बिक जाएगा और अपने साथियों की इन्फॉर्मेशन वो टेररिस्ट के पास पहुंचा देगा। आपको बता दें कि फिलहाल इन सब बातों को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं रहने वालों में से नहीं हूँ, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। सोल्जर के निर्माता ने किन किन आम को बनाया खास, क्यों है अब्बास मस्तान का लकी नंबर 7, क्यों होता है इनकी फिल्मों में हमेशा कोई समुद्र और पानी का जहाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस का बादशाह और अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी बनाने वाले अब्बास मस्तान को नए चेहरे खोजने और हमेशा कुछ नया देने वाली जोड़ी के रूप में जाना जाता है। इस जोड़ी ने बॉलीवुड कोच शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, बिपाशा बासु और अब्बास खान जैसे कितने ही प्रतिभाशाली कलाकार खोज कर लिए। अब अपनी दो नई फिल्मों में भी उन्होंने कुछ नया देने की
कोशिश की है। इसके साथ ही फिल्म ऐतराज में प्रियंका को नेगेटिव कैरेक्टर में पेश किया गया, जबकि सस्पेंस थ्रिलर टार्ज इन द वंडर कार में दो नए चेहरे आयशा टाकिया और वत्सल सेठ मौका दिया गया। वैसे आयशा ने पहली फिल्म सनी देओल प्रोडक्शन की सोच ना था साइन की थी, लेकिन वो फिल्म बाद में रिलीज हुई। आपको बता दें कि अब्बास मस्तान 7 नंबर को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। उनकी ज्यादातर फिल्मों के नाम में अंग्रेजी के 7 अक्षर होते हैं, जैसे टार्ज इन द वंडर कार, ऐतराज, लेकिन दरार में 7 अक्षर नहीं थे तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ये भी काफी दिलचस्प संयोग है कि चोरी चोरी चुपके चुपके में भी 7 अक्षर नहीं थे, तो इस फिल्म के लिए निर्माता नाजिम रिजवी और भारत शाह को जेल हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि अब्बास मस्तान अक्सर अपनी फिल्मों के शीर्षक को फिल्मों के गाने के लिरिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाजीगर, बादशाह, सोल्जर, चोरी चोरी चुपके चुपके, हमराज। दोनों भाइयों को उन्हें समुद्र और पेट्रियोटिक फिल्मों का कनेक्शन, क्या है बॉलीवुड का नया देशभक्ति फिल्मों का जॉनर, कौन सी नई कास्ट हो सकती है सोल्जर 2 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर 2 की। दोस्तों ट्रेडिशनल